नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, और मैं SK त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, मिशन और प्रोग्राम है उसको यहां पर देखेंगे। सारे प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को कवर करेंगे हम लोग यहां पर इंग्लिश मीडियम में। हिंदी वाली जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। तो जो पहला आपकी स्कीम यहां पर लिखी गई है, ये अटल भाषांतर स्कीम है, योजना है। ये किससे एसोसिएटेड है? ये लैंग्वेज ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि इसकी इस स्कीम के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट, वन कैंडिडेट ईच शैल बी सेलेक्टेड थ्रू अ मल्टी स्टेज सेलेक्शन प्रोसेस द अबव फॉरेन लैंग्वेजेस एंड ट्रेन्ड इन द फॉरेन लैंग्वेजेस एट गवर्नमेंट कॉस्ट इन रेप्यूटेटेड लैंग्वेज स्कूल्स अब्रॉड। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत है, लॉन्च किया गया इसको दिसंबर 2018 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है, क्या किया जाएगा? तो जो ग्रुप ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिक इंटरप्रिटेटर्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाएगा ट्रांसलेशन से फ्रॉम अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जापानीज, रशियन, स्पेनिश इन टू हिंदी लैंग्वेज। ठीक है ना, भाषा से समझ में आ रहा होगा आपको यहां पर, है ना, लैंग्वेज से कि भाषांतर, भाषांतर, भाषा का अंतर। ठीक है ना, तो यहां पर हम किस तरीके से देखेंगे सारे प्रोग्राम्स को, स्कीम को, कि नाम क्या है, लॉन्च कब की गई, मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट वन जो है आपका संपन्न है, द सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। तो ये किससे रिलेटेड है? जो आपके क्या है, पेंशनर्स हैं उनसे रिलेटेड है, और 29 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया वाराणसी से प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये आपकी कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? टेलीकम्युनिकेशन से। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो ये हेल्प करेगी टाइमली डिस्पर्समेंट में। कैसे डिस्पर्समेंट? जो आपके DOT के, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पेंशनर्स हैं, है ना, उसको जो है किस तरीके से पेंशन का डिस्पर्समेंट किया जाएगा टाइमली, उससे रिलेटेड है ये। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था इसको, एन ऑफिशियल PM संपन्न स्कीम पोर्टल को भी, है ना, जो आपका ये पोर्टल भी है। ठीक है, ये आपका पोर्टल जो है प्रोवाइड करेगा फैसिलिटीज किसको? पेंशनर्स को। ठीक है, जो आपके DOT से रिलेटेड है। इसके बाद आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, 21 मार्च 2018 को लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर से रिलेटेड है। देखिए अब यह हेल्थ आ गया तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर आ गया, है ना, बिल्कुल टेक्निक से, ट्रिक से भी हम जो है मिनिस्ट्री का अंदाजा लगा सकते हैं। ये किससे जो है आपका रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? तो मेडिकल से, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इसका एम क्या है? तो इसका एम ये है कि ये प्रोवाइड करेगा हेल्थ कवरेज, कब तक का, कितने, कितना बैंड है इसका, कितनी अपर लिमिट है, तो 5 लाख पर फैमिली की बात है, पर ईयर, एक साल में, किसके लिए? सेकेंडरी और आपके टर्शरी के लिए है, याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है ये, आपका सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए नहीं है, है ना, जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन कवर को कवर करेगा। कितने लोगों को ये दिया जा रहा है? तो 10.74 करोड़ जो पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं दैट फॉर्म द बॉटम 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, जो आपका इंडियन पॉपुलेशन का 40% बॉटम है, है ना, उनको कवर किया, मतलब कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत। और वर्ल्ड के अंदर ऐसी ये अपने आप में सबसे बड़ी योजना भी है। ठीक है ना, ये इफेक्टिव हो गई है आपकी। ठीक है, और 15 अक्टूबर 2019 तक मोर देन 50 लाख पीपल्स हैव रिसीव्ड द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रीटमेंट फ्रॉम द आयुष्मान भारत योजना। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी वो फैमिली जो बिलोंग करती है SC ST या वल्नरेबल जो आपके ग्रुप्स हैं उसके अंदर से, और वहां पर अगर कोई फैमिली जो है उसमें कोई मेल मेंबर ना हो, ठीक है ना, इसके अलावा मतलब कोई वर्किंग वहां पर मेंबर ना हो, 16 से 59 ईयर की एज जो है आपकी, जो वर्किंग एज मानी जाती है, कार्यशील जो आपकी जनसंख्या है, है ना, और उसमें से जो ऐसी आपके एज का कोई व्यक्ति है अगर वो दिव्यांग हो तो उस फैमिली को भी वहां पर क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ऐसी फैमिली जो लैंडलेस है ना, या जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हो, है ना, या बॉन्डेज जो भी आपका लेबर कराया जाता था उससे, उनको एग्जेम्प्टेड कराया गया हो,
ठीक है ना। तो इस तरीके के वल्नरेबल ग्रुप्स के लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी वो गंगा ग्राम प्रोजेक्ट है, 23 दिसंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। और देखिए यहां पे सम्मेलन हुआ था, ग्राम स्वच्छता जो आपका सम्मेलन है वो आपका आयोजित किया गया था विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, विलेज सैनिटेशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव है ना, मतलब उससे एसोसिएटेड है आपका, किससे, विलेज सैनिटेशन से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का, इंश्योर करना होलिस्टिक मैनर में सैनिटेशन को कहां पर, विलेजेस में, ठीक है ना। जो आपके ये विलेजेस कहां पर हैं, जो आपके गंगा के किनारे हैं, बैंक्स ऑफ रिवर गंगा में, ये आपके नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री जो है इसमें ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन है जो आपकी नोडल एजेंसी है स्वच्छ भारत मिशन की, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सैनिटेशन बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात की जा रही है 4470 विलेजेस की जो आपकी रिवर गंगा से संदर्भित है, उनसे लगे हुए हैं। और इसमें 829 करोड़ रुपए रिलीज किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए, किसके कंस्ट्रक्शन के लिए, टॉयलेट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए 1674 ग्राम पंचायतों के लिए। इसके बाद जो है आपका 1674 ग्राम पंचायत। इसके बाद समर्थ स्कीम की बात की जा रही है, ये किससे रिलेटेड है, तो ट्रेनिंग देने से रिलेटेड है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। 20 दिसंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया। इसमें गाइडलाइंस दी गई है, वो इशू की गई है जो आपकी, वो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, ठीक है ना, 23 दिसंबर 2018 को। इस स्कीम के अंतर्गत एक टारगेट सेट किया गया है ना, कि जो भी आपका ट्रेनिंग दिया जाना है वो किसको, 10 लाख पीपल्स को रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर, सो दैट दे कैन गेट बेटर लिवलीहुड ऑप्शंस, है ना, ताकि उनको जो है वो जीवन के, वो अच्छा जीवन जी सके और उनके आय का स्तर जो है वो बढ़ सके, ठीक है ना। इसके बाद री जो आपका स्ट्रक्चरिंग है ऑफ नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है, ये सीएफ ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, 10 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी इसमें, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एडिक्वेट और सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करना है रूरल पॉपुलेशन को पूरे देश के अंदर। संकल्प और स्ट्राइव स्कीम्स हैं इसमें, इसको जो अप्रूवल मिला कैबिनेट कमेटी के द्वारा मिला था, जो कैबिनेट कमेटी है आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये इसमें कौन सा डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सपोर्टेड है ये आपकी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये याद रखना है हमको, ठीक है ना, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है आपकी वो सपोर्टेड है। इसके बाद इसका एम क्या है संकल्प का, तो इसमें एनहांसमेंट करना है किसका, इंक्लूजन कराना है किसका, जो आपके अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड जो आपकी कम्युनिटीज है इंक्लूडिंग वुमेन, ठीक है ना। इसके बाद इंक्लूजन में मतलब विकास में समावेशन में, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइव की बात करें अगर हम, तो ये जो है इसके अंतर्गत इंकरेज करना है ओवरऑल इंप्रूवमेंट को, ठीक है ना, किसके अंतर्गत, जो परफॉर्मेंस है आपकी जो आईटीआईज की है, इंक्लूडिंग उसमें मतलब अप्रेंटिसशिप की भी बात है, अप्रेंटिसशिप की बात है, है ना, और उसके अंतर्गत एसएमईज भी इंक्लूडेड है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रुप को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें करना क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है दोनों स्कीम्स के अंतर्गत। संकल्प में स्किल एक्विजिशन और नॉलेज अवेयरनेस करना है, किस लिए, लिवलीहुड प्रमोशन के लिए, आजीविका को संवर्धित करने के लिए। स्ट्राइव जो है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट के लिए, दोनों स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसके बाद दीनदयाल जो स्पर्श योजना है, ये स्पर्श जो स्कॉलरशिप है आपकी इसलिए है, प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी, जो डाक टिकट स्टाम्प्स वगैरह है उसको हॉबी के रूप में डेवलप करें लोग, है ना, उससे संदर्भित है ये आपकी। तो स्कॉलरशिप स्कीम है, रिलेटेड है ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी इसमें, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री आएगी ऑफ कम्युनिकेशन। 3 नवंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, जो आपके उस समय स्टेट मिनिस्टर थे, जो आपके क्या नाम था उनका, इंडिपेंडेंट चार्ज में थे वो आपके मनोज सिन्हा जी, उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है ना। ये इंक्रीज करने के लिए है, इंटरेस्ट लोगों का, है ना, जो इंक्रीज करे आपका रिसर्च वर्क इस एरिए में, है ना, डाक वगैरह से संदर्भित जो है आपका उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। इसके बाद इसी स्कीम के अंतर्गत 920 स्कॉलरशिप्स अवार्ड जो है थ्रू आउट द कंट्री स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, क्लास जो है आपका 6th, 7th, 8th और 9th का एवरी ईयर, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है साथी इनिशिएटिव है, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये पावर लूम से रिलेटेड है, हैंडलूम से नहीं है, टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है, पावर लूम से रिलेटेड है। 24 अक्टूबर 2017 की है स्कीम, ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये आपका, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी इसमें और मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी है इसमें, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ये सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज है, किस लिए, जो हेल्प करेगी वो
स्मॉल इंडस्ट्रीज को। ये इस इनिशिएटिव के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, तो एनर्जी एफिशिएंसी जो सर्विस लिमिटेड है, एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है ये, किसके अंतर्गत, जो आपका अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, वो प्रोक्योर करेगी किसको, एनर्जी एफिशियंट पावर लूम्स को, मोटर एंड रैपर किट्स इन बल्क एंड प्रोवाइड थीम टू द स्मॉल एंड मीडियम पावर लूम यूनिट्स एट नो अप फ्रंट कॉस्ट। कुल मिला के ये इंसेंटिवाइज करना है पावर लूम को, उसके लिए इनपुट प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद जो आपका संपूर्ण बीमा ग्राम योजना है 13th of October 2017 का है, और इसको भी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे आपके टेलीकॉम सेक्टर के, उन्होंने जो है लॉन्च किया था, ठीक है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है आपकी, किस से रिलेटेड है, एक सेकेंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक, और इसका जो आपका किस से रिलेटेड है, ये संपूर्ण बीमा ग्राम योजना है आपका, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ तो ये बिल्कुल ठीक है आपका, संपूर्ण जो बीमा ग्राम योजना है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत है, 13 अक्टूबर 2017 को जो स्टेट आपके इंडिपेंडेंट चार्ज में थे, जो आपके मिनिस्टर मनोज सिन्हा जी, उन्होंने लॉन्च किया था। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इसमें जो भी आपके सांसद आदर्श ग्राम वगैरह भी हैं उनको भी इसके अंतर्गत जो है लाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस स्कीम के अंतर्गत एटलीस्ट वन विलेज हैविंग अ मिनिमम ऑफ 100 हाउस होल्ड्स will be identify, उनको identify किया जाएगा in each of revenue districts of the country and cover all households of that identified village with a minimum of one RPLI, जो आपका rural postal life insurance policy है, ठीक है ना। इसके बाद जो next है हमारी, वो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सौभाग्य योजना। इसमें जो है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसमें प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रिसिटी प्रत्येक हाउस होल्ड्स को, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में भारत देश के, ठीक है ना। ये 25 सितंबर 2017 को लॉन्च की गई थी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, तो ये आपकी दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मदिन पर इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है ये आपकी, और ऑपरेटेड किसके द्वारा किया जाएगा, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद प्रधानमंत्री आपकी मातृ वंदना योजना है, 1 जनवरी 2017 को लॉन्च की गई। क्यों किया गया है ये, इसका क्या किससे एसोसिएटेड है, तो प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड है और लैक्टेटिंग मदर से रिलेटेड है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अंतर्गत आएगा। इसमें प्रोवाइड किया जाएगा क्या, पार्शियल वेजेस, मतलब पार्शियल वेज कंपनसेशन, क्योंकि जैसे ही प्रेग्नेंट होगी लेडी, है ना, तो उसको कंपनसेशन दिया जाए, ताकि जो है वो अपने रोजगार से दूर ना हो पाए, है ना। तो कंपनसेशन दिया जाएगा टू वुमेन फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर एंड टू प्रोवाइड कंडीशंस फॉर सेफ डिलीवरी एंड गुड न्यूट्रिशन एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस। इससे इंप्रूव होगी हेल्थ किसकी, किसकी, प्रेग्नेंट मदर की, लैक्टेटिंग मदर की, और उस बच्चे की भी जिसकी केयर किया जाना चाहिए। तो इससे रिड्यूस होगा इंपैक्ट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन थ्रू कैश इंसेंटिव। तो इसमें जो कैश इंसेंटिव दिया जाएगा 5000, उसके लिए कंडीशंस हैं, 3 किस्तों में दिया जाएगा इसको। ये पहली इंस्टॉलमेंट इसकी जो 1000 रुपए की मिलेगी, वो तब मिलेगी जब रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा कि भैया वो प्रेग्नेंट है कोई लेडी। इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो दिया जाएगा 2000 रुपए का, वो तब दिया जाएगा जब 6 मंथ जो है आपका प्रेगनेंसी हो जाए और एंटीनटाल चेकअप वगैरह जो है एक हो जाए उसमें। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा डिलीवरी के बाद, और जब बच्चे का इम्यूनाइजेशन हो जाएगा, वैक्सीनेशन साइकिल जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तब दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री जो वयो वंदना योजना है आपकी, ये सीनियर सिटीजन्स की पेंशन से रिलेटेड है, और इनिशियली इसको 1 ईयर के लिए लाया गया था, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया फिर 31 मार्च 2023 तक के लिए। LIC जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशन के लिए इस स्कीम की, और एक फिक्स रिटर्न दिया जाएगा इसमें 8% पर एनएम के हिसाब से 10 सालों के लिए, है ना। लमसम जो पेमेंट है जो पेंशन के लिए, वो 10 साल का टेन्योर उसमें फिक्स किया गया है। इसमें प्रोवाइड किया जाएगा क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको, जो सीनियर सिटीजन है अबव जो 60 इयर्स या उससे ज्यादा के हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आएगी ये। इसको लॉन्च किया था हमारे फॉर्मर जो यूनियन जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने न्यू दिल्ली से मई 2017 में। माँ जो प्रोग्राम है आपका मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन है, ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए है, वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए है, ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन।
इसमें 5 अगस्त 2016 को इसको लॉन्च किया गया। किसके अंतर्गत आएगा? तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, इसमें पीपल्स को अवेयर करना है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, स्पेशली मदर्स को, और प्रमोट करना है ब्रेस्ट फीडिंग्स को, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड है, आप लोगों को पता होगा। इसमें रबी, खरीफ, कमर्शियल, हॉर्टिकल्चर सारी क्रॉप्स को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था 13th of January 2016 में, ठीक है। और कमेंसमेंट जो इसका इफेक्टिव देखा जाए कि कब से ये इफेक्टिव हुई है, तो खरीफ जो आपका ईयर था 2016 का, तब से इसको जो है इफेक्टिव किया गया था, लॉन्च किया गया था एक तरीके से। लॉन्च करने के बाद इंप्लीमेंटेशन की जो डेट है वो बता रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर्स के अंतर्गत है। इसमें जो क्या इसका एम है, तो प्रीमियम जो बर्डन है फार्मर्स पे उसको कम करना, और वहां पर जो रिस्क है उनका उसको मिटिगेट करना, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना है ना, ताकि वो जो है आत्महत्या वगैरह ना करें, और इंश्योर अर्ली सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम फॉर द फुल जो आपकी ये क्या है स्कीम है ना, इंश्योरल जो सम है आपका। गोल क्या है इसमें? फाइनेंशियल सपोर्ट देना फार्मर्स को, जब भी डैमेज हो जाए, कोई कैलामिटी हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए, है ना, किसी भी तरीके से उनको अगर लॉस हो जाए क्रॉप का, तो उनको सुरक्षा प्रदान करना है, एक तरीके से ये सोशल सिक्योरिटी हो गई उनके लिए। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये कृषि सिंचाई से रिलेटेड है। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई। इसमें क्या करना है? तो एफिशिएंट यूज जो है आपका वाटर का जो है उसको प्रमोट करना, उसके लिए जो भी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करना है ना रीजनल लेवल पे। ये स्कीम जो है आपकी अप्रूव की गई, कितने फंड से? आउटले से लगभग 50,000 करोड़ रुपए की, और कितने पीरियड के लिए? 5 सालों के लिए, 2015-16 से 19-20 के लिए। इसमें जो है पर जो आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात की गई थी, जो कंपोनेंट है उसका जो इंप्लीमेंटेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर्स कर रहा है। इसको लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को विद द मोटो, क्या मोटो था इसका? हर खेत को पानी। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आप लोगों को पता होगा, जैसे हमारा हेल्थ कार्ड बनता है वैसे सॉइल का समझ लीजिए कि उसमें किस तरीके की न्यूट्रिशंस की कमी है, कौन सा न्यूट्रिशन है, किस तरीके की न्यूट्रिशंस को दिया जाए, कितनी सिंचाई करना है, कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, इस टाइप से उसका एक हेल्थ कार्ड बनता है। तो ये क्यों बनाया गया होगा? तो इंप्रूवमेंट के लिए सॉइल हेल्थ का, ठीक है ना, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। अब ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स जो वेलफेयर है उसके अंतर्गत आएगा। 19 फरवरी 2015 को ये इसका इनॉग्रेशन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया राजस्थान के सूरतगढ़ से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? सपोर्ट करना स्टेट को किस संदर्भ में? इन प्रोवाइडिंग सॉइल हेल्थ कार्ड टू फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है ना। मेक इन इंडिया जो है सितंबर 2014 की है, याद रखिएगा सितंबर 2014 की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है ये आपकी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये ऑब्जेक्टिव जो था इसका, प्रमोट करना इंडिया को एज द मोस्ट प्रिफर्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। तो भैया वैश्विक जो विनिर्माण गंतव्य स्थान के रूप में किसको स्थापित करना? भारत को। 25 इंडस्ट्रियल एरिया को इसमें आइडेंटिफाई किया गया था, और इंक्रीज कर दिया गया है इसमें शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 25% तक कर दिया गया है, फ्रॉम 16% बाय 2022, और क्रिएट करना है 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स भी इस सेक्टर में। इसके बाद नेक्स्ट जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है ये आपका, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएगा। 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? तो क्रिएट करना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। किसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, ठीक है ना, और ऑल्सो इसके साथ ही एक्सपेंड करना गवर्नमेंट के सपोर्ट को इंपार्ट करने के लिए, स्किलिंग ट्रेनिंग और फॉर वर्कर्स, स्किल ट्रेनिंग मतलब क्षमता निर्माण की बात करें, कौशल विकास की बात करें, वहां पर सपोर्ट करना गवर्नमेंट के द्वारा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 स्कीम और भी इंक्लूडेड है, श्रम सुविधा पोर्टल, लेबर इंस्पेक्शन स्कीम, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है आपका, अप्रेंटिस जो आपका प्रोत्साहन योजना है, रिवैम्प्ड जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये सब इसी के कंपोनेंट है। स्मार्ट सिटी मिशन है ये आपका, रेनोवेटिव कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है आपका, ठीक है। ये इसमें इसका जो कमेंसमेंट किया गया 25 जून 2015 को, और इनॉग्रेशन किया गया 25 जून 2016 को पुणे में, जब इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत है, इसमें डेवलप करना है क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरमेंट, है ना, बाय डेवलपिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन सिटीज। प्रोवाइड करना है किस तरीके से? सिविलाइज्ड और क्वालिटी लाइफस्टाइल, किसको? सिटीजंस को। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो एम जो आपका अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड
अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत बोला जाता है, अमृत योजना। किससे रिलेटेड ये? बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिलेटेड है सिटीज में। तो 25 जून 2015 को नई दिल्ली से लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है ये आपका। इसमें इंश्योर करना है प्रत्येक एवरी हाउस होल्ड को कि उनके पास एक्सेस है टैप का, है ना, वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, विद द एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड अ सीवेज जो आपका कनेक्शन होता है। इंक्रीज करना है इसमें एमिनिटी वैल्यू को सिटीज की, किस तरीके से वहां पर डेवलप करना है ग्रीन एरिया, है ना, जो ग्रीन बेल्ट वगैरह आप पार्क वगैरह देखते होंगे, डेवलपिंग ग्रीनरीज एंड वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेस, एग्जांपल पार्क्स। स्टैंड अप इंडिया है, स्टैंड अप वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है ये आपका। एससी एसटी ट्राइबल जो है आपके, है ना, ट्राइब्स वगैरह है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, उसको क्या करना है यहां पर, क्या करना है, प्रमोट करना है इन ग्रुप्स के अंतर्गत, वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना है, प्रमोट करना है। तो इसका अनाउंसमेंट किया गया 15th अगस्त 2015 को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बैंक लोन्स देना बिटवीन 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। एटलीस्ट हर बैंक को एक ऐसा लोन देना ही पड़ेगा, वन एससी और एसटी को, ठीक है, या और उसके साथ एंड लगा है, एटलीस्ट एक वुमेन बोरोवर को भी इस तरीके का लोन उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए? ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज के लिए है, ब्राउन फील्ड के लिए नहीं है, मतलब बिल्कुल नई स्कीम के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई पहले से है और उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है, तो उसके लिए ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। और यहां पर जो इसको लॉन्च किया गया वो आपका 5 अप्रैल 2016 को, कहां से? वो नोएडा यूपी से जो है इसको क्या किया गया, मतलब एक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये ट्रेनिंग से रिलेटेड है यूथ्स की, और 15th ऑफ जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। किस ओकेजन पे? तो इसी दिन आपका वर्ल्ड जो यूथ स्किल डे है वो भी मनाया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसमें ट्रेन करना है 1 करोड़ यूथ को कंट्री के ड्यूरिंग 4 ईयर्स 2016 से 20 में। अब इसकी जो आपका एनालिसिस है वो मेंस का पार्ट है। इसमें जो है सभी ट्रेनीज को इस स्कीम के अंतर्गत एवरेज जो है आपका 8,000 रुपी का जो है इंसेंटिव दिया जाता है। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत स्पेशल अटेंशन दिया जाता है ट्रेन करने के लिए इनोवेटर्स को, लेबर मार्केट और स्टूडेंट को, है ना, जो आपके ड्रॉप आउट हो जाते हैं 10th और 12th क्लास से, उनको जो है वहां पर फोकस किया जाता है कि भैया पढ़ाई छूट गई तो अब जीवन यापन कैसे करेंगे, तो इनका स्किल डेवलपमेंट करा देते हैं, है ना, इनका ड्रॉप आउट हो गया है तो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ये जो है आपका 3 मिनिस्ट्रीज का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है, है ना, क्योंकि इसमें शिक्षा की भी बात है, हेल्थ की भी बात है, है ना, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है इसमें, एचआरडी भी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है आपकी, और वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इसके अंतर्गत है, क्योंकि इसमें जेंडर जो है आपकी इनइक्वालिटी, जिसको आप सेक्स रेशियो बोलते हैं, उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि सबसे कम सेक्स रेशियो यहीं पर है, आपको पता है। और इसमें एलिवेट करना है सेक्स रेशियो को, एलिमिनेट करना है जो आपका जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है ना, इसमें केयर करना है गर्ल चाइल्ड की, ठीक है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ये एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। इसका जो स्लोगन है क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ है, इसमें प्रोवाइड करना है क्लीन फ्यूल जो आपका एलपीजी है पुअर फैमिलीज को, ठीक है ना, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की है ये आपकी, बलिया यूपी से लॉन्च की गई थी 1st ऑफ मई 2016 को। इसमें जो स्कीम में जो आपको असिस्टेंस दिया जाता है वो आपका क्या है, 1600 जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, क्या ₹1600 का एवरी एलपीजी फैमिली के लिए, जो आपकी बीपीएल फैमिलीज हैं तो उनको दिया जा रहा है एलपीजी को यूज करने के लिए, इस तरीके की सब्सिडी जो है असिस्टेंस उनको दी जा रही है, ठीक है ना। इसमें टारगेट किया जा रहा है कितनी फैमिलीज को, वुमेन ऑफ जो आपके 5 करोड़ फैमिलीज हैं, इसमें जो वुमेन होती है उसी को माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर जो है वो उनको सब्सिडी मिलेगी, है ना, जो आपकी वहां पर वुमेन्स होती हैं। ये भी एक सिंबॉलिक चीज है, एम्पावरमेंट से रिलेटेड है उनके, ठीक है ना। इसके बाद जो है इसको रिवाइज भी किया गया है, 2016 से 19 के लिए था तो इसको रिवाइज कर दिया गया है 18-19 के लिए 8 करोड़ जो है आपका बजट में, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल है, पहले 5 करोड़ फैमिलीज को टारगेट कर रहे थे, फिर 8 करोड़, ये नॉर्मल चीज है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड जो मिशन है, ये एलिमिनेट करने के लिए रूरल पॉवर्टी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है, ठीक है। जो NRLM आपका मिशन है उसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जून 2011 में। ये एलिमिनेट करने के लिए है रूरल पॉवर्टी, इनकरेज करेगी ये डाइवर्स सोर्स ऑफ लिवलीहुड थ्रू कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पुअर,
इसके बाद ये जो प्रोग्राम है इसको रीनेम किया गया, इसको 2015 नवंबर में दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में जो DAYNRLM है। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया है, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है, सीधी बात है स्टार्टअप से रिलेटेड है। इसका अनाउंसमेंट किया गया 15 अगस्त 2015 को और स्टार्ट किया गया इसको 16 जनवरी 2016 को। डिपार्टमेंट ऑफ जो प्रमोशन इंडस्ट्री यानी इंटरनेशनल ट्रेड है ना, जो उसके अंतर्गत आता है ये आपका। इसमें क्रिएट करना है कंड्यूसिंग एनवायरमेंट, किसके लिए? प्रमोट करने के लिए इनोवेशन, है ना, कोई भी बिजनेस जो है उसका स्टार्टअप डालने के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? तो वो कंपनी जो है इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और 7 इयर्स होने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, 10 इयर्स फॉर द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर के लिए 10 ईयर का प्रावधान किया गया। इट इज नोट वर्दी दैट इट वॉज द फर्स्ट 5 ईयर्स द एनुअल टर्न ओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 25 करोड़, ठीक है ना, 25 करोड़ को एक्सीड नहीं कर सकता वो। इसमें एस्टैब्लिशमेंट किया गया फंड का 10,000 करोड़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप्स, और ये फंड जो मैनेज करेगा वो सिड भी करेगा आपका, ठीक है। इसके बाद ई नैम की बात की गई है, 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है SFAC है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो होता है आपका, ये 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत है। इसमें प्रमोट करना है यूनिफॉर्मिटी को, किसके अंतर्गत? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ई नैम हो गया। अब भैया उनके पास विकल्प ज्यादा हो गए, पहले मंडी में जाकर बेचना ही पड़ता था, है ना, अब वहां पर भी दो तरीके की बातें हैं, एक तो स्पॉट मार्केट भी है, एक डेरिवेटिव मार्केट भी है। तो इंटीग्रेटेड मार्केट बनाना, ठीक है ना, उनको किसानों की जो आय है वो क्या करना, उचित आय उनको प्रोवाइड करना, बायर सेलर्स और जो आपका ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसको क्या करना, न्यूट्रल बेस पे बिल्कुल जो है उसको एक जगह प्रोवाइड करना बायर्स और सेलर्स को, तो वहां अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। रियल टाइम जो है प्राइस डिस्कवरी वहां पर किया जा सकता है, एक्चुअल डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। कार्टेलिंग को वहां पर कोई भी मौका नहीं मिलेगा कार्टेल करने का, जैसा पहले शोषण होता था, है ना, तो उसी को एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया। इसके बाद दीनदयाल जो अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन है जो आपका 23 दिसंबर 2013 का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत है। इसमें एलिमिनेट करना है अर्बन पॉवर्टी को, और एलिमिनेट करना है अर्बन पॉवर्टी को और वल्नरेबिलिटी को भी, जो प्रमोट करती है जो गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सिटीज। तो भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के द्वारा जो वल्नरेबिलिटी है पॉवर्टी की और जो अर्बन पॉवर्टी है उनको दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। 20 फरवरी 2016 को गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया इसमें सभी स्टैचुरी अर्बन लोकल बॉडीज को कंट्री के अंतर्गत जो विद्यमान है। इसमें फंडिंग का जो रेशियो है 75:25 है सेंटर और स्टेट के बीच में, नॉर्थ ईस्टर्न और जो आपके स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है वहां पर 90:10 का रेशियो है फंडिंग का। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना है 25 जून 2015 की, ये फ्री हाउसेस से रिलेटेड है। 2022 तक सबको जो भी अर्बन एरियाज में लोग हैं, जो अर्बन पुअर लोग हैं, उनको यहां पर घर प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत है ये आपका। ये स्कीम कवर करती है सारे 4041 जो डिक्लेयर्ड स्टैचुरी टाउन्स हैं उनको एज पर सेंसस 2011, वही सेंसस ही है अभी। तो इंप्लीमेंटेशन की इसकी 3 स्टेजेस थी, 100 टाउन्स के लिए अप्रैल 2015 से मार्च 2017, इसके बाद एडिशनल 200 टाउन्स को कवर किया गया 2017 अप्रैल से मार्च 2019, इसके बाद जो रिमेनिंग टाउन्स है उनको अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक। अब इसका एस्टिमेशन आएगा भैया कंक्लूजन के कितने लोगों को घर मिला है। प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है ये फ्री हाउसेस से ये भी रिलेटेड है, हाउसिंग इसमें देना है सबको, कब तक? 2022 तक, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है। 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया। ये किस हिसाब से इसमें बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो SECC का डेटा है आपका 2011 का उसको यूज किया जाएगा इसमें बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। बेनिफिशियरी यहां पर लोन जो है अवेल कर सकते हैं 70,000 तक का 70,000, और एग्जिस्टिंग जो आपका 20 स्क्वायर मीटर है ना, 20 स्क्वायर आपका जो मीटर एरिया है उसको ये कवर करता है हाउस बनाने के लिए, जिसको इंक्रीज कर दिया गया है 20 से 25 स्क्वायर मीटर। फाइनेंस इसमें सेंटर और स्टेट का है, इसमें 60:40 का रेशो है और 90:10 होगा जो आपके स्पेशल या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स होंगे। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन है, ये रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है। 21 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया। इस मिशन का जो एम है
वो प्रोवाइड करना है एक न्यू एम्पेटस, किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, किस लेवल पे, लोकल लेवल पे। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेलेक्ट करेगी ग्रुप को जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड होंगे, जिनकी पॉपुलेशन जो है 25,000 से 50,000 होनी चाहिए, प्लेन एरिया या कोस्टल पार्ट में, डेजर्ट हिली या आइलैंड या ट्राइबल एरिया है तो 5,000 to 15,000 तक है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ 300 रूरल क्लस्टर्स की बात की जा रही है, जिनका नाम ररबन क्लस्टर रखा जाएगा, जो इनकरेज करेंगे प्रोत्साहित करेंगे लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थ्रू आउट द कंट्री। इसके बाद उदय, जो उज्ज्वल आपका डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसको इंप्लीमेंट करने वाला जो पहला स्टेट था वो झारखंड है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है, नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया। इसने फाइनेंशियल रिफॉर्म करना था इन डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं आपकी डिस्कॉम कंपनीज, और उनका रिवाइवल करने से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का ही इंक्लूजन कराया जाता है भैया, जो वंचित वर्ग हैं उसी से संदर्भित है, उनका वित्तीय समावेशन कराया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की यह आपकी स्कीम है। और 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया, इसका स्लोगन ये था मेरा खाता भाग्य विधाता। इसमें जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक सेविंग बैंक अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन एटसेट्रा, किसको, जो वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं और पुअर लोग हैं। इसमें प्रमोट किया जाएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी और डीबीटी को भी, उससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है, और इसमें 1,00,000 तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाता है विथ रूपे डेबिट कार्ड। नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट से हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है ये आपकी, ये फंडिंग करना है, फंडिंग टू द अनफंडेड, इकोनॉमिकल जो हेल्प देनी है बिजनेस के लिए उससे रिलेटेड है आपकी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है ये आपकी। ये फॉर्म की गई किसके अंतर्गत, तो ये कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बनाई गई है और एज अ सब्सिडायरी यूनिट है ये आपकी सिडबी की, और मुद्रा जो है रिस्पॉन्सिबल है डेवलपिंग और रीफाइनेंसिंग के लिए जो सारे आपके माइक्रो इंटरप्राइजेस सेक्टर हैं उनको जो है सपोर्ट करना, ठीक है ना, फाइनेंस के थ्रू, विच आर इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग टू माइक्रो स्मॉल बिजनेस एंटिटीज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो एमएसएमई सेक्टर के लिए फाइनेंस का काम कर रहे हैं, है ना, उनको जो है फाइनेंस प्रोवाइड करना ताकि वो आराम से वहां से लोन जो है प्रोवाइड कर सके, ये भी जो भी आपके एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है ना। उसके बाद मुद्रा डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और जो भी आपके इंडिविजुअल से, ये याद रखना है कि मुद्रा जो है उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, फंडिंग करती है, फिर वो डायरेक्टली देते हैं एंटरप्रेन्योर को या इंडिविजुअल को, ये डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को नहीं देती है, ये याद रखिएगा। इसको भी जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है माइक्रो इंस्टीट्यूशंस को, एक शिशु इंडस्ट्री है जिसमें 50,000 रुपीज दिया जाता है, किशोर जो है 50 से 5 लाख तक, तरुण जो है 5 लाख से 10 लाख। अटल पेंशन योजना है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पेंशन स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, मई 2015 में मर्ज किया गया, जो पहले की आपकी स्वावलंबन योजना थी उसके साथ इसको, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज्ड पुअर वर्कर्स वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, है ना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए है। इसमें जो है पेंशन जो है सब्सक्राइबर जो है प्रोविजन जो है पेंशन का सब्सक्राइबर के लिए वो आपका 1,000 से 5,000 रुपए है ऑन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जिस हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे उस हिसाब से उनको यहां पर अमाउंट मिलेगा। इसमें जो आपका जिस एज ग्रुप के लोग इसमें एलिजिबल हैं वो 18 to 40 है और मिनिमम पीरियड जो है कॉन्ट्रीब्यूशन का वो आपका सब्सक्राइबर के लिए 20 ईयर्स है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है और फाइनेंस मिनिस्ट्री के है, 9 मई 2015 को ये कोलकाता से लॉन्च की गई। इसमें क्रिएट करना है आपका यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सभी इंडियंस के लिए, स्पेशली जो भी पुअर या वीकर सेक्शन के लोग हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स के, और जो वर्कर्स हैं आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के। इसमें जो है आपके सभी सेविंग अकाउंट होल्डर्स की जिनकी एज 18 से 70 होगी वो एलिजिबल होंगे इस स्कीम के अंतर्गत। इसमें प्रीमियम अमाउंट जो है वो 12 रुपए पर ईयर है थ्रू ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम। इसमें 2,00,000 रुपए तक का एक्सीडेंटल जो डेथ के समय, मतलब डेथ के समय जो यहां पर कवरेज दिया जाता है वो 2,00,000 है और टोटली डिसेबल्ड को 1,00,000 रुपए दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब या तो टोटल डिसेबल हो या एक्सीडेंटल डेथ हो तो 2,00,000 रुपए मिलेगा, लेकिन 1,00,000 रुपए उनको मिलेगा जो पार्शली डिसेबल्ड होंगे, याद रखिएगा। 2,00,000 किसको मिलेगा, या तो डेथ हो गई या तो फिर वो टोटली डिसेबल्ड होगा, और 1,00,000 किसको मिलेगा जो पार्शली डिसेबल्ड हो गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो आपकी बीमा योजना है ये इकोनॉमिकल
इसमें भी असिस्टेंस देना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की है और 9th of May 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया। इसमें प्रमोट करना है लाइफ इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस के सेक्टर को, उसके डायमेंशन को, एज वेल एज प्रोवाइड करना है इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी उस फैमिली को जो पॉलिसी होल्डर का है जिस पर वो लोग डिपेंडेंट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसमें सभी व्यक्तियों के लिए है, 18 से 50 वर्ष लिया गया है आयु का, और प्रीमियम अमाउंट इसमें 330 है, डेथ कवरेज इसमें भी 2 लाख का है। स्वच्छ भारत मिशन क्लीनलीनेस से मतलब आपका लिंक्ड है स्वच्छता से, और 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर जो 150वीं उनकी जयंती थी उस पर इसको क्या किया गया, इसको पूरे इंडिया में जो है मनाई गई थी 150वीं जो उनकी जयंती है 2019 में 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, और उसमें इसको रिव्यू भी किया गया था और 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखता है और जो रूरल है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है। पीएम किसान सम्मान निधि जो है वो फार्मर्स के लिए है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था इसको, और मिनिस्ट्री जो है आपकी वो आपने देख ही लिया कि एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर होगा यहां पर। इसमें करना क्या है, तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एश्योर्ड सप्लीमेंट्री इनकम के लिए जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है ना उसको ये फुलफिल करेंगे, है ना, ताकि जो फार्मर्स हैं वो हार्वेस्टिंग सीजन के पहले जो भी उनकी जरूरत है उनको वहां पर फुलफिल किया जा सके। ठीक है, और ये जो है आपका नेक्स्ट जो है ये जैव ईंधन जो आपका वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निर्वाण योजना है जो आपका, है ना, ये आपकी क्या है जीवन, ठीक है ना, जीवन लिखा हुआ है। तो 28 फरवरी 2019 को जो आपकी कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की उसने इसको लॉन्च किया। बायोफ्यूल से रिलेटेड है, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल सेक्टर बायोफ्यूल की बात की गई है। इसमें सपोर्ट करना है वो नासेंट जो आपके इंडस्ट्री है, ठीक है, उनको किस तरीके से क्रिएट करके एक सुटेबल इकोसिस्टम ताकि वो सेटिंग कर सकें, सेटअप कर सकें किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को, और इंक्रीज कर सकें इस डोमेन में आरएनडी को भी इस एरिया में। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना है, फार्मर्स के लिए है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है जिनकी जो एज है 18 से 40 18 to 40 ईयर्स एलिजिबल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और इसमें एवरेज जो है 100 रुपीज पर मंथ का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से ये आपका लिंक्ड है मिनिस्ट्री से, 31 मई 2019 को लॉन्च किया गया। इसमें फिक्स पेंशन मिलेगी, 3000 रुपया मिलेगा उनको, और किसको, स्मॉल और मार्जिनल जो आपके मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल ये 86% जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है उनको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी है, इसमें कुछ एक्सक्लूजन के भी क्राइटेरिया है, और जब 60 साल की एज वो अटेन कर लेते हैं तब उनको फिर वहां पर पेंशन वगैरह का जो है प्रावधान, उनको जो है लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है आपका, 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च किया गया। इसमें इंप्रूव करना है न्यूट्रिशनल लेवल को कंट्री में, आपने वेस्टिंग और स्टंटिंग के बारे में सुना होगा, उसको इसके द्वारा एड्रेस करेंगे, ठीक है, और जो भी लो बर्थ वेट वगैरह होता है उसको जो टारगेट सेट किया गया है इसमें 2% जो है वो क्या करना है, उसको धीरे धीरे इरेडिकेट करना है। ज्वाइंटली इशू किया गया है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, और नीति आयोग भी है इसके अंतर्गत, ठीक है ना, तीनों का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है आपकी, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, 1 अप्रैल 2017 को लॉन्च की गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो सीनियर सिटीजन हैं जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, रह रहे हैं और सफर कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके अलावा जो आपके डिसेबल्ड हैं, इन्फॉर्मिटी वाले लोग हैं, उनको यहां पर असिस्ट करना, लिविंग डिवाइस जो है प्रोवाइड करा के जो उनको रिस्टोर कर सके उनकी नॉर्मल लाइफ को, ठीक है ना, उनकी बॉडी के जो फंक्शन है उसको नॉर्मलाइज कर सके, और डिसेबिलिटी और इन्फॉर्मिटी से वो क्या कर सके, सामना कर सके और अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। इसके बाद जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, एनवायरमेंटल एंगल है इसका, इसमें प्राइमरली जो फोकस किया गया है इंक्रीज करने में सॉइल फर्टिलिटी, उसके बाद प्रोडक्शन जो है आपका प्रोडक्टिविटी पे बात की गई है, उसमें सॉइल की भी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस की बात की गई है, है ना, एग्रोकेमिकल्स के स्थान पे जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस हैं उसको यहां पर प्रायोरिटी दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड है। इसके बाद यूथ पार्लियामेंट स्कीम है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर से रिलेटेड है, 66-67 में 1966-67 में पहली बार इसको लाया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2006 का है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल जो है आपका पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन
जो है आपका उससे रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है इसका जो नाम रखा 2006 में द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किस लिए? टू एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इनोवेटिव वर्क डन बाय डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो किस लिए है ये? गुड गवर्नेंस के लिए है एक तरीके से देखा जाए तो। इसके बाद जो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम है रबी के सीजन में 2013-14 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड है। इसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, दिसंबर 2014 में लाया गया है, गोकुल गोवंश उसके अंतर्गत ब्रीडिंग अच्छा करना, वहां पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसी से रिलेटेड है आपका, ठीक है, डेयरी सेक्टर से। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जो है आपका उसके अंतर्गत है ये आपका। इसको लॉन्च किया गया 2014 में, जो आउटले रखा गया था फंड का 2025 करोड़ का था, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के लिए, जो हमारे यहाँ इंडिजीनियस अच्छी ब्रीड है थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यहां पर सेलेक्टिव ब्रीडिंग की बात की गई है, उसको जो है वहां पर जेनेटिक अपग्रेडेशन की भी बात की गई है, ठीक है ना। उसके बाद जो जो स्कीम है इसके अंतर्गत दो कंपोनेंट है, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग भी इसी के अंतर्गत है और नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी, दोनों की बात यहां पर की गई है। इसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया। इसमें जो भी हमारे पूरे देश में स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, वहां पर इनोवेटिव मेजर लेना है ना, जो आपकी कल्चरल साइट्स हैं है ना, और जो ट्रेडिशन है, प्रैक्टिसेस हैं, उनको लिंक करना और वहां पर उनका क्या करना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है ना, वहां पर जो क्या करना, जो डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से करना, एकीकृत रूप से वहां पर विकास करना और उसके द्वारा हमारे राष्ट्र की इंटीग्रिटी और यूनिटी को क्या करना, वहां पर क्या करना, एंश्योर करना एकता और अखंडता को। ये कहां पर है? ये तो हमारे प्रीएम्बल में भी है, जो हमारा एक लक्ष्य है, ठीक है ना। नेशनल स्टैटिस्टिकल जो कमीशन है जून 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत है, ये रिकमेंडेशन से बनी थी रंगराजन जी के 2001 में। 20-point प्रोग्राम 1975 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का है, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया तीन बार, 1982, फिर 86, फिर 2006। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है, इसमें 12-point प्रोग्राम किया गया है इरेडिकेट करने के लिए, किसको, पॉवर्टी को, और इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसकी, स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन की कंट्री में, जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी यहां पर योजना है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, 1 अप्रैल 1999 ये जो है आपका, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस जो आपकी स्कीम है, ये 2 अक्टूबर 1993 की है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो आपका है वो इसको क्या करता है, उससे लिंक्ड है, और ये जो है अभी जो इससे संदर्भित है, ये नीति आयोग अब संदर्भित है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है 9 अगस्त 2016, इसमें जो है ये शॉर्ट फॉर्म है वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केट का, ठीक है ना। इसमें जो है आपका क्या किया जाता है, जो कॉमन यूजर होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, उनको जो भी प्रोक्योरमेंट की बात है वो यहां पर किया जाता है। सेल्फ सस्टेनिंग और यूजर फ्रेंडली पोर्टल भी यहां पर जो है प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के यहां पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है आपकी, ठीक है, एमपी लैड स्कीम जिसको बोलते हैं, 1993 की है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। अक्टूबर 1994 में इस स्कीम को ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को। इसके बाद हृदय स्कीम है, जो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। इसमें जो हमारे हेरिटेज कैरेक्टर वाले जो हेरिटेज सिटी है उनको, जैसे अभी आप सर्किट वगैरह भी देख रहे होंगे, प्रसाद भी सुना होगा आप लोगों ने, तो ये भी एक हेरिटेज सिटी से रिलेटेड है। यहां पर उनको क्या करना है, उनको एक दूसरे के पास लाना है। इसका क्या है एम, ब्रिंगिंग टूगेदर अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग भी इसके अंतर्गत, इकोनॉमिक ग्रोथ है, हेरिटेज का कंजर्वेशन भी है, इंक्लूसिव मैनर में, समावेशी संदर्भ में, जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रिजर्व करना हेरिटेज कैरेक्टर ऑफ ईच हेरिटेज सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आता है और 21 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ये आपका इंद्रधनुष 7 जो है, इसमें वो डिसीज के लिए जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो इसमें संदर्भित है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज करना है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को, एटलीस्ट 90% का टारगेट था चिल्ड्रन को इसमें जो कवर करना था बाय 2020। जो आपका नमामि गंगे प्रोग्राम है जून 2014 का है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको देखती है। इसका एम क्या है, तो जो भी विलेजेस हैं आपके रिवर गंगा के बैंक के
साथ साथ जो लगे हुए हैं वहां पर ओपन डेफिकेशन जो है उससे उसको फ्री करना है, और इंटरवेंशन डीलिंग विद सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो जो भी वहां पर सॉलिड और लिक्विड जो भी वेस्ट है उसका भी मैनेजमेंट करना है रैशनल डायमेंशन पे। इसके बाद स्वच्छ पखवाड़ा है, स्वच्छता पखवाड़ा है, ये अप्रैल 2016 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इसका है ब्रिंगिंग अ फोर्टनाइट ऑफ इंटेंस फोकस, इसमें इंटेंस फोकस है ऑन द इशू एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्वच्छता, किस तरीके से इंगेज करना इसमें जो भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, इस जो भी इसके अंतर्गत जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। नॉर्मल सी बात है, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है 2 अक्टूबर 2014 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आएगा, इसमें इंक्रीज करना है एक्सेस जो है आपकी स्वच्छता तक, उसको कहां से कहां तक, 39% इन 2014 टू 100% बाय अक्टूबर 2019। इसके बाद इसका एक्शन प्लान जो कॉल है फॉर ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया इन 5 ईयर्स, ओडीएफ से फ्री करना था। स्कीम ऑफ ऑपरेशन ग्रीन्स जो है यूनियन बजट 2018-19 में इसका जिक्र किया गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। इसको लॉन्च किया गया एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में, इसमें जो है आपका किससे रिलेटेड है, इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात की गई है, टोमेटो है, अनियन है, पोटैटो है, इसमें ऑपरेशन जो किया जाएगा, ऑपरेशनल जो गाइडलाइंस है वो भी दी जाएंगी इस स्कीम के अंतर्गत। ऑपरेशन ग्रीन्स को जो है अपलोडेड किया जाएगा ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री, तो जो वेबसाइट है उसमें भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद पीएम कुसुम है, ये आपका प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं जो उत्थान महाअभियान है, ये 8th ऑफ मार्च 2019 का है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसमें एम किया जा रहा है इंश्योर करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी किसको, फार्मर्स के लिए, अलॉन्ग विथ ऑनरिंग इंडियाज कमिटमेंट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स। देखिए INDC का लक्ष्य भी तो ऐसे ही प्राप्त होगा हमारा, तो सोर्स को 40% इंक्रीज करना है बाय 2030। 2030 के लिए ही हमने INDC के टारगेट सेट किए हैं, है ना, जो हमको ये लक्ष्य प्राप्त करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसके बाद उजाला है, उन्नति ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, 5 जनवरी 2015 की है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है। इसके अंतर्गत जो है एफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है रेसिडेंशियल लेवल पे, और एनहेंस किया जाएगा जो कंज्यूमर के अंतर्गत अवेयरनेस है कि किस तरीके से वो एनर्जी को एफिशिएंट रूप से यूज करें, और किस तरीके से वैसे अप्लायंसेस को भी यूज करें जो एनर्जी के डायमेंशन में क्या हो, एफिशिएंट हो, ठीक है ना, और रिड्यूस करें जो एग्रीगेट डिमांड है। तो इस तरीके से LED को यूज करने की बात की गई है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स एंड MEA इंगेजमेंट जो प्रोग्राम है समीप जनवरी 2018 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो फैमिलराइज करना है स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को विद द रोल एंड फंक्शन ऑफ MEA, मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, हमारा एक्सटर्नल जो आपकी मिनिस्ट्री है ना, जो अफेयर्स वाला मिनिस्ट्री, वो किस तरीके से काम करता है ना, और उसमें किस तरीके से सक्सेस स्टोरीज हैं, तो इनको भी स्टूडेंट्स और जो लोग हैं उनके बीच में क्या हो, अवेयरनेस आए, ठीक है ना। तो ये इनिशिएटिव उस आधार पर लिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, मार्च 2020 की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है ये। इसमें जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक तरीके का पैकेज है, कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज है, 1.70 लाख करोड़ का, पुअर्स के लिए, गरीबों के लिए, ताकि वो फाइट कर सकें जो वो बैटल लड़ रहे हैं अगेंस्ट कोविड, और ये अनाउंस की गई थी मार्च 2020 में, टू रीच आउट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब पुअर में भी पुअर, मतलब गरीबों में भी जो बहुत ज्यादा गरीब है उन तक पहुंच जो है सुनिश्चित करना था, ताकि वो जीवन यापन जो है कर पाए विथ फूड एंड मनी इन हैंड, सो दैट दे डू नॉट फेस डिफिकल्टीज इन बाइंग इसेंशियल सप्लाईज एंड मीटिंग इसेंशियल नीड्स। तो जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो कैसी नितांत आवश्यकताएं हैं, वो उनकी पूर्ति कर सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद जो इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी है, 5th ऑफ नवंबर इम्प्रिंट जिसको बोलते हैं, तो 2015 की है नवंबर की, 5 नवंबर, और ये HRD के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, ग्राम उदय से भारत उदय, ये है आपका 14 अप्रैल 2016 महू से मध्य प्रदेश से लॉन्च की गई थी, क्योंकि ये अंबेडकर जी की जन्मस्थली है, और जो आपका ग्रामोदय से लेके भारत उदय अभियान था ये 14 से 24 अप्रैल 2016 में फोकस किया गया था, मनाया गया था। इसमें अटेंशन जो है वो कहां पर रखा गया था, डेवलपमेंट में, वर्क टू बी डन इन विलेजेस, ठीक है। इसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना है 11th ऑफ अक्टूबर 2014 का, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात आप जानते होंगे उसी से संदर्भित है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से लिंक्ड है ये आपकी, और इसका गोल क्या है, डेवलप करना 3 आदर्श ग्राम बाय मार्च 2019, ऑफ विच वन वॉज टू बी अचीव बाय 2016, देयर आफ्टर 5 सच आदर्श ग्राम 1 पर ईयर
विल बी सिलेक्टेड एंड डेवलप्ड बाय 2024। इसके बाद उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, इसमें वाइबल बनाया गया, किसको, जो फ्लाइट की टिकट्स वगैरह थी उसको वाइबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्या कर सके, यूज कर पाए, है ना, एयर ट्रैफिक को भी, एयर जो भी आपका कम्युनिकेशन का जो आपका वे है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, यात्रा करने के लिए। तो 2016 का है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। इसमें रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने की कोशिश की गई है ना, नेशनल सिविल एविएशन जो आपकी पॉलिसी है 2016 की, उसके साथ इसमें ट्विन ऑब्जेक्टिव था, प्रमोट करना है जो आपका बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ है। हमारे यहां रीजनल अगर आप डिस्पैरिटी देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, तो उसमें रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करना था, और मेकिंग फ्लाइंग जो आपका उड़ान है उसको अफोर्डेबल बनाना था आम नागरिक के लिए भी, ठीक है। ये स्कीम जो है आपकी, ये ऑपरेशन में है पीरियड के लिए, कितने पीरियड के लिए, 10 इयर्स के लिए। और ये इन्फेसेज जो आपका इसमें लिखा है, इसमें जो जोर दिया जाएगा, इन्फेसेज जो लिखा गया है, प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स एंड एयरपोर्ट्स, नॉर्मल सी चीजें हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, उम्मीद यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर इनिशिएटिव, 23rd of September 2019 का है ये आपका, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक का है ये आपका, इसमें लॉन्च किया गया इसको, ये इनिशिएटिव को, किस लिए, टैकल करने के लिए जो इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज होती है न्यू बॉर्न बेबीज में, उससे फाइट करने के लिए। इसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा जो आपका योजना है, अगस्त 2003 की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये अनाउंस की गई अगस्त 2003 में, एड्रेस करने के लिए जो इम्बैलेंस है, असंतुलन है अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की, और इंप्रूव करना था इसमें मेडिकल एजुकेशन को कंट्री के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस पे इसके ही अंतर्गत जो है अभी तक सेटअप किया जा चुका है 22 नए एम्स जिनको अप्रूव किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत, जिसमें से 6 जो एम्स है वो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में ऑलरेडी फंक्शनल है पूर्णतः, और जो और भी आपके 7 एम्स हैं, ठीक है ना, और जहां पर ओपीडी फैसिलिटी है, एमबीबीएस क्लासेस हैं, वो स्टार्ट हो गई हैं, वाइल इन 5 मोर इंस्टीट्यूट्स ओनली एमबीबीएस क्लासेस हैज स्टार्टेड। तो ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो आपका स्वामित्व योजना है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किया है इसको 24th of April 2020। बताइए ये डेट इंपॉर्टेंट है क्या, ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये प्रमोट करेगी सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया, ग्राम स्वराज, गांधी जी के विचार को यथार्थ रूप प्रदान करेगी। इट पेव्स द वे फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट, कि भैया जिसकी प्रॉपर्टी है, जो ओनर है, उसको सही व्यक्ति को उसका स्वामित्व प्राप्त हो, विलेजर्स फॉर अवेलिंग लोन्स, ताकि वो लोन ले सकें और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले सकें। और ये स्कीम कवर करेगी अराउंड 6.62 लाख जो आपका लाख जो है ना 6.62 लाख जो विलेजर्स हैं उनको पूरी कंट्री में से ड्यूरिंग 2021 से लेके 2025 तक। इसके बाद प्रसाद स्कीम है, ये आपके पिलग्रिमेज रीजनोवेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगुमेंटेशन ड्राइव है। देखिए इसमें सर्किट वगैरह आप देख रहे होंगे जो बनाए जा रहे हैं, है ना, वो भी इसके अंतर्गत आता है। 2014-15 का मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रसाद एक गवर्नमेंट स्कीम है, वो फोकस कर रही है आइडेंटिफाई डेवलप करने के लिए जो भी आपकी तीर्थ स्थल है, पिलग्रिम्स जो आपकी साइट्स हैं पूरे देश के अंतर्गत, है ना, और रिलीजियस जो आपका टूरिज्म एक्सपीरियंस है उसको भी इससे प्रमोशन कर पाएंगे, उसका भी प्रमोट कर पाएंगे। इसको लॉन्च किया गया था यूनियन जो मिनिस्ट्री है टूरिज्म की। इसका एम क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना, पिलग्रिमेज जो डेस्टिनेशन है उसको प्लान्ड रूप से उसको प्रायोरिटाइज करना, वहां पर सस्टेनेबल मैनर में सारे के सारे जो रिलीजियस टूरिज्म जो एक्सपीरियंस है उसको मोबिलाइज करना, है ना, उसमें एक एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, 2017 में लॉन्च की गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें एग्रो मरीन प्रोसेसिंग और उसका डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्लस्टर वगैरह भी डेवलप किए जाएंगे। इसमें एलोकेशन 6000 करोड़ रुपए का किया गया था 2016 से लेके 20 तक के लिए, 2016 से 20 तक के लिए, ये 14th फाइनेंस जो कमीशन साइकिल था उसके उसी से संदर्भित है। ये याद रखिएगा, संपदा स्कीम जो है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। मेगा फूड पार्क स्कीम ये भी है, हब एंड स्पोक मॉडल में 2008 का है ये आपका, ये भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें टारगेट सेट किया गया था सरकार के द्वारा कि 42 मेगा फूड पार्क जो है पूरे देश में जो है इस स्कीम के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो फार्मर्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं आपके, प्रोसेसिंग जो आपकी इंडस्ट्री है और जो रिटेलर्स हैं, उनको एक जगह लाएंगे और उससे जो है फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, है ना, ठीक है। और इनको लिंक करके जो है सिंगल मैकेनिज्म के अंदर इनको क्या किया जाएगा,
मैनेज किया जाएगा। इसके बाद नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग है 1 अप्रैल 2012, ये भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। अभी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में, है ना। एक स्पॉन्सर्ड होती है, एक सेंट्रल सेक्टर होती है। बताइएगा मुझे डिफरेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और जो सेंट्रल सेक्टर है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो नेशनल मिशन फूड प्रोसेसिंग जो आपका किस दौरान इस स्कीम को रखा गया था, तो 12th जो आपकी 5 ईयर प्लानिंग थी उसके अंतर्गत, ड्यूरिंग 12th जो आपकी 5 ईयर प्लानिंग थी 2012 में, है ना, 2012 में। इसके बाद जो है आपका प्रधानमंत्री जो किसान मानधान योजना है ना, प्रधानमंत्री किसान मानधान योजना, तो सितंबर 2019 में लाया गया है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के लिए है। प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है यह फरवरी 2019 में लाई गई मिनिस्ट्री ऑफ, अब श्रम की बात आ गई है ना, श्रम योगी की, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली मिनिस्ट्री आ जाएगी यहां पर, ठीक है। इसमें एक पेंशन स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, है ना, इसीलिए उसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रखा गया, ताकि वो जो अपने बुढ़ापे में एल्डरली एज में जो है वो क्या कर सके, मतलब उस जो आपके एज का टाइम है उसको भी वो सिक्योर कर सके फाइनेंशियली, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है 2016-17 की है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की है। घर तक फाइबर स्कीम जो है 21 सितंबर 2020 बिहार से लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की है। हर गांव में जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर की जो कनेक्टिविटी देना था उसी से रिलेटेड है ये आपकी, ठीक है। और इसमें जो है 21/9/2020 तक कनेक्टिंग की जा चुकी है 45,945 विलेजेस बिहार ऑन ऑप्टिकल फाइबर फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्पीड इंटरनेट। तो ये हाई स्पीड इंटरनेट से रिलेटेड है, ऑप्टिकल फाइबर से। और इसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही है, सितंबर 2020 मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अंतर्गत आएगा। फ्लैगशिप स्कीम है ये फोकस है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किससे, फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है वो 20,050 करोड़ रुपीज है, ठीक है ना, जो 20,050 करोड़ रुपए है। इसके इंप्लीमेंटेशन के दौरान जो पीरियड रखा गया है 5 साल का, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2024-25 के लिए सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है ना, एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड है 1998 में स्टार्ट किया गया था, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी वाली मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय कृषि जो विकास योजना है 2007 की है, ये एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो आपकी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आती है। इसके बाद सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम है आपका जून 2020 का, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। मिशन पूर्वोदय जो है जनवरी 2020 में लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा, ठीक है ना, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है उसने पार्टनरशिप किया है विद सीआईआई एंड जेपीसी इज ऑर्गेनाइजिंग द लॉन्च ऑफ पूर्वोदय एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन थ्रू एन इंटीग्रेटेड स्टील हब इन लाइन विद पीएम्स विजन फॉर फोकस डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न स्टेट। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके बाद जो अटल भूजल योजना है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है, 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया। ये डे बताइएगा कि ये गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, किसकी जयंती है, किसका जन्मदिन है, किसके संदर्भ में मनाया जाता है। ये आपका अटल भूजल योजना जो है इंप्लीमेंट की जाएगी जल जीवन मिशन के अंतर्गत 7 राज्यों में 8,350 विलेजेस में। इसमें आउटले जो फंडिंग की बात की गई 6,000 करोड़ रुपए की, और इसको जो है 5 साल में जो कवर किया जाएगा, जो आपका पीरियड है वो 2020-21 से 24-25 तक है, जिसमें 50% जो है 50% शैल बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन। तो इसमें वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस है 50% एंड बी रीपेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको रीपे करेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद जननी शिशु सुरक्षा योजना है, दोनों की सुविधा की बात की गई है यहां पर, जननी की भी शिशु की भी, तो ये IMR वगैरह की बात यहां पर आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है, 1 जून 2011 ये एक इनिशिएटिव है जो प्रोवाइड करेगा कंप्लीटली फ्री और कैशलेस सर्विसेज, किसको, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, इंक्लूडिंग जहां पर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है चाहे सिजेरियन हो रही है ना, दोनों को ये कवर करेगा। और जो भी आपके सिक न्यू बॉर्न है, ठीक है, अप टू 30 डेज आफ्टर बर्थ इन गवर्नमेंट हेल्थ, जो आपके जो भी गवर्नमेंट के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं दोनों जगह में, रूरल और अर्बन दोनों। इसके बाद जननी सुरक्षा योजना है, देखिए ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम था, याद रखिएगा JSSS जो आपका K है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, उसके अलावा जननी सुरक्षा योजना है। ये जो जननी सुरक्षा है तो इसमें सिर्फ मदर केयर की बात की गई है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है, 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी। ये जो योजना है ये सेफ मदरहुड के लिए लॉन्च की गई है अंडर जो आपका NRHM है उसके अंतर्गत,
और वो उसकी उसी का इंप्लीमेंटेशन उसी के संदर्भ में किया जा रहा है एनआरएचएम के अंतर्गत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिड्यूस करना है मैटरनल और नियोनेटल जो मोर्टेलिटी है हमारे यहां, प्रमोट करना है संस्थागत डिलीवरी को, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को अमंग द पुअर जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स है। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षित जो मातृत्व अभियान है 2016 में स्टार्ट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ये प्रोवाइड करेगा एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव और क्वालिटी जो आपकी एंटीनेटल केयर है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली जो है सभी प्रेग्नेंट वुमेन को जो है एवरी मंथ के जो 9th डे होता है, प्रत्येक मंथ का जो आपका 9th डे है उस दिन जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम है 2015 की है, यह भी वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत स्मॉल सेविंग स्कीम को लॉन्च किया गया है जो आपकी गर्ल चाइल्ड होती है उनके वेलफेयर के लिए, और इसमें ये किसके अंतर्गत रहेगा तो कोई भी लीगल या नेचुरल गार्जियन है तो उसको अवेल कर सकता है, इसमें एक अकाउंट ओपन करा सकते हैं एक गर्ल चाइल्ड के संदर्भ में, मैक्सिमम दो अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं दो डिफरेंट गर्ल चिल्ड्रंस के लिए अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इसके बाद निर्वीक स्कीम है, यूनियन बजट 2020-21 में इसका जिक्र था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है। ये प्रोवाइड करेगी हाई इंश्योरेंस कवर किसके लिए? एक्सपोर्टर्स के लिए, और रिड्यूस करेगी प्रीमियम्स किसके लिए? जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं, ताकि एक्सपोर्टर्स को यहां पर असिस्टेंस दिया जाए और इस फील्ड में उनको अट्रैक्ट किया जा सके। क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट, अ न्यू स्कीम निर्वीक इज बीइंग लॉन्च which provides for high insurance cover, reduction in premium for small exporters and simplified यहां पर procedure करना है, ease of doing business करना है, claim के लिए, settlement के लिए, है ना, ऐसा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने स्पीच में बोला था 2020-21। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। इसके बाद पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है, पीएम स्वनिधि भी बोला जाता है, ये आपके स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है और 1 जून 2020 को लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको जो है क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपए का 1 ईयर के टेन्योर के लिए लोन दिया जाएगा, कैपिटल लोन, ताकि जो है वो कलेटरल फ्री लोन को प्राप्त कर सके और अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके अर्बन और रूरल एरियाज में। कैसे अर्बन और रूरल एरियाज? जो पेरी अर्बन और रूरल एरियाज है, पेरी अर्बन, ठीक है ना, और रूरल एरियाज के लिए है ये आपके, ठीक है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है अर्बन एरियाज और जो आपके पेरी अर्बन और रूरल एरियाज है उसमें कवर किया जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये जानना है कि किसके लिए है और क्या इससे बेनिफिट होगा और कितना अमाउंट जो है लोन में दिया जाएगा इसके इस स्कीम के अंतर्गत, है ना, कोलैटरल फ्री है, ये याद रखने की आवश्यकता है। विद्यांजलि स्कीम एजुकेशन से रिलेटेड है, 16 जून 2016, ये एचआरडी के अंतर्गत आएगी, और ये जो है ये स्कूल का वॉलेंटियर प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का, इनहेंस करने के लिए कम्युनिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर को उनका इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि गवर्नमेंट रन जो भी आपके एलिमेंट्री स्कूल्स हैं तो वॉलेंटरी वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे वहां पर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, जो आपके तो सारे के सारे जो एजिस हैं सर्व शिक्षा अभियान के उन डायमेंशंस के अंतर्गत अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दे। इसके बाद फूड सेफ्टी मित्रा स्कीम है 16 अक्टूबर 2019 की, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसमें सपोर्ट किया जाएगा स्मॉल और मीडियम स्केल की जो फूड बिजनेस है उनको, ताकि वो कंप्लाई कर सके विद द फूड सेफ्टी लॉज एंड फैसिलिटेट लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, हाइजीन के जो रेटिंग है, ट्रेनिंग है, है ना, फूड सेफ्टी जो FSSAI है वो भी आप लोगों ने सुना होगा, मैगी के इशू के संदर्भ में आया था वो। इसके अंतर्गत ऑल्सो लॉन्च किया गया है जो ईट राइट जैकेट एंड ईट राइट झोला ऑन वर्ल्ड फूड डे, जो 16 अक्टूबर 2019 को मनाया जाता है ना, मतलब 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना, जो वर्ल्ड फूड डे है। इसके बाद नई रोशनी स्कीम है, ये माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, 2012-13 में लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावर करना और इंस्टिल करना कॉन्फिडेंस को माइनॉरिटी वुमेन के अंतर्गत, इंक्लूडिंग देयर नेबर्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज लिविंग इन द सेम विलेज / लोकैलिटी बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज, उनको नॉलेज देके ऐसे टूल्स और टेक्निक्स देके उनके साथ इंटरेक्ट करके, है ना, जो भी आपके गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, बैंक्स हैं और जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है हर लेवल पे, ठीक है ना, उनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद हथकरघा जो आपका
संवर्धन सहायता योजना है, दिसंबर 2016 की है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत है ये, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और उसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उसने इंट्रोड्यूस किया है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन स्कीम, है ना, टफ्स स्कीम के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो अंडर कौन सा प्रोग्राम है, नेशनल हैंडलूम जो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, पावरलूम नहीं है यह हैंडलूम है, एंड कॉम्प्रेहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम जो आपकी लॉन्च की गई थी 2015-16 में, ठीक है। ये जो स्कीम है उसके अंतर्गत कुछ मॉडिफिकेशन भी किया गया और उसका नाम फिर क्या कर दिया गया, हस्तकरघा संवर्धन सहायता योजना दिसंबर 2016 में, ठीक है ना। इसमें से फिर अपग्रेडेशन होगा, है ना, उनको एसेसरीज वगैरह दिया जाएगा हैंडलूम वेवर्स को इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी जो है आपकी फैब्रिक की, और इनहेंस करेंगे प्रोडक्टिविटी की, ठीक है ना, आउटकम पे फोकस किया जा रहा है। इसके बाद मिड डे मील स्कीम है, 15 अगस्त 1995 को लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है। मनरेगा है आपकी फरवरी 2006 की, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी। प्रधानमंत्री जो खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत 2015 की है। आयुष्मान भारत योजना हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगी, 2018 की है। जिज्ञासा कार्यक्रम जुलाई 2017 का है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी। इसमें फोकस किया जा रहा है, कनेक्ट करना है यहां पर स्कूल स्टूडेंट्स को और साइंटिस्ट को, दोनों को एक जगह लाकर, ताकि एक्सटेंड किया जा सके स्टूडेंट्स का जो क्लासरूम है वहां लर्निंग के साथ साथ उनको वेल प्लान्ड मतलब सुनियोजित तरीके से जो R&D की लैबोरेटरीज हैं वहां से भी उनको लर्निंग का एक्सेस दिया जा सके। इसके बाद प्रोजेक्ट चमन है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत है और सितंबर 2014 को लॉन्च की गई। ये जो है इसके अंतर्गत देखिए हॉर्टिकल्चर अभी नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी फोकस है और वहां की प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, तो उसी की ग्रोथ को जो है कैटलाइज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए जो है इसको लाया गया है, ठीक है ना, उसी से संदर्भित है यहाँ ये आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, है ना। इसको कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो इसमें इंफॉर्मेशन के लिए जो है जियो टेक्निक्स, जो आप GPS वगैरह देखते हैं उसके हिसाब से वहां से डेटा को एक्सेस करना है, है ना, वहां पे स्टैटिक्स को जो है एक्सेस करना है, उसके बाद वहां पे प्रोडक्टिविटी पे काम करना है। इसमें रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाएगा, GIS का यूज किया जाएगा, फील्ड सर्वे किया जाएगा, फिर वहां पर प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, 2014 के मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आएगी। इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, है ना, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था। स्वदेश दर्शन स्कीम 2015 की है, इसमें सर्किट्स वगैरह की बात है, वही रामायण सर्किट वगैरह जो सुनते हैं। देखिए दो तीन योजनाएं जो है वो हेरिटेज से रिलेटेड है, प्रसाद हो गई, स्वदेश हो गई, तो ये सब याद रखना है हमको, हृदय हो गया, तो ये सब याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से रिलेटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, थीम बेस्ड है ये आपका, रामायण सर्किट वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो टूरिस्ट सर्किट्स को यहां पर डेवलप करना, किस प्रिंसिपल पे, हाई टूरिस्ट वैल्यू, कॉम्पिटेटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी के इंटीग्रेटेड मैनर में यहां पर डेवलपमेंट करना है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो समग्र शिक्षा स्कीम है 2018-19 की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। इसमें जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है और जो आपका टीचर एजुकेशन जो आपकी स्कीम है, इन सबको जो है इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और ये जो स्कीम्स है वो कैसी हैं, तो सेंट्रली क्या है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये आपकी, ठीक है। नेशनल जो मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है आपकी, मई 2008 की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल और एजुकेशन और लिटरेसी भी इसके अंतर्गत है। इसमें क्या करना है, अवार्ड करना है स्कॉलरशिप जो भी आपके मेधावी छात्र हैं, मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, ठीक है ना, ताकि वो ड्रॉप आउट ना करें, ठीक, जो आपके आठवीं क्लास के बाद बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट हो जाता था, तो उसी को एड्रेस करने के लिए इसको लाया गया, ताकि वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके, कंप्लीट कर सके सेकेंडरी स्टेज को भी। इसके बाद नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, मई 2008 की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के अंतर्गत आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एस्टैब्लिश करना एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो उसको इनेबल करना, ताकि प्रमोट कर सके इनरोलमेंट को और रिड्यूस कर सके जो ड्रॉप आउट है आपका, किसका, गर्ल्स का, जो आपकी SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं सेकेंडरी स्कूल्स में, और इंश्योर करना कि वो रिटेंशन जो है उनका कम से कम 18 साल की एज तक रहे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम है, अगस्त 2004 की है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल जो है आपका, मतलब ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री, ये तीनों लिंक्ड है इससे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर एंश्योर करना एक्सेस और
क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना गर्ल्स को जो आपकी वल्नरेबल ग्रुप से आती हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप से आती हैं, बाय सेटिंग अप रेसिडेंशियल स्कूल्स एट अपर प्राइमरी लेवल, है ना। नक्सल इलाकों में भी आपने देखा होगा रेसिडेंशियल स्कूल का इनिशिएटिव लिया गया है। इसके बाद जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, 3 February 2009 की है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें जो है आपका किस पे एम किया जा रहा है, तो लेवरेज द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी, ठीक है, फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, उसको यहां पर मोबिलाइज करेंगे। इसके दो मेजर कंपोनेंट है, कंटेंट जनरेशन और प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी अलॉन्ग विथ प्रोविजन फॉर एक्सेस डिवाइसेज टू द इंस्टीट्यूशन एंड लर्नर्स। इसके अंतर्गत 419 यूनिवर्सिटीज, है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, और मोर देन 25,000 कॉलेजेस भी हैं, और पॉलिटेक्निक जो आपके कॉलेजेस हैं उनको भी यहां पर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 2013 की स्कीम है, रूसा जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2013 में लॉन्च की गई। और एम क्या है इसका, स्ट्रैटेजिक फंडिंग करना है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो एलिजिबल हो इसके अंतर्गत। इसमें फंडिंग का जो रेशियो है 60-40 का है सेंट्रल और स्टेट का, जनरल स्टेट्स के लिए, और जो स्पेशल है उनके लिए 90-10 है, और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% फंडिंग करेगी कौन, जो आपके सेंट्रल है, और ये आउटकम बेस्ड है आपकी, ठीक है ना, प्रोडक्ट मतलब या प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड है, उत्पादकता पर। एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जनवरी 2019 का, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसको लॉन्च किया गया 2019 में ताकि प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जा सके जो वर्ल्ड की ये लास्ट रेंजिंग फ्री पॉपुलेशन है एशियाटिक लायन की, और उनके लिए वैसा इकोसिस्टम बनाया जाए ताकि उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और उसके बाद नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो स्कीम है आपकी 2000-2002 की है, और ये भी MOEFCC के अंतर्गत आएगा, और इको डेवलपमेंट जो फोर्सेस स्कीम है 1980 की है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, और आम आदमी बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है 2 October 2007, स्वावलंबन स्कीम 2010 की है सितंबर की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। इसमें क्या करना है, इनकरेज करना है वर्कर्स को जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं ताकि वो सेव कर सके, सेविंग कर सके अपने ऐच्छिक रूप से, ताकि वो अपने एल्डरली टाइम पे, ओल्ड एज टाइम पे जो है किसी पर जो है बोझ ना बने और उनकी सिक्योरिटी जो है उस टाइम पे बनी रहे। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है आपकी, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया 2010 में, और ये को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है, सम जो है वो आपका 1000 rupees पर NM का है। इसमें प्रत्येक जो NPS का अकाउंट होता है उसको ओपन किया जाता है, और सेविंग जो है 1000 से 12000 rupees पर ईयर तक किया जा सकता है। इसके बाद सबला स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, 19 November 2010 को लॉन्च की गई, और ये जो है मर्ज की गई। इसके अंतर्गत दो स्कीम्स, एक तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है एंड एडोलसेंट गर्ल्स जिसको NPAG बोलते हैं, एडोलसेंट गर्ल्स टीनेजर्स से ही रिलेटेड है वो आपका, ठीक है, तो उसमें 11 से 18 लिया जाता है। तो एंड किशोरी जो शक्ति योजना है इनटू अ सिंगल स्कीम, दोनों को मर्ज कर दिया गया। और इसका मतलब क्या है, इसका एम क्या है, तो एम्पावर्ड करना एडोलसेंट गर्ल्स को जो 11 से 18 वर्ष के बीच की हमारी क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है ना, उनके हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना, अपग्रेड करना, उनको वेरियस स्किल्स देना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है अन्नपूर्णा स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की अप्रैल 2000 में लॉन्च की गई। नेशनल ओल्ड एज जो पेंशन स्कीम है 1995 की है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। नेशनल जो लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है 54-55 का है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा ये आपका। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, दो चीजें हैं, ठीक है, एक कंट्रोल प्रोग्राम है, एक इरेडिकेशन है, तो इरेडिकेशन वाला 1983 का है, ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय किशोर जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है 7 January 2014 का, ये भी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो नेशनल आपका अर्बन रिन्यूअल जो आपका मिशन है December 2005 का, ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जन औषधि आपकी स्कीम है, ठीक है, और यहां पर जो है 2008 में इसको लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंतर्गत आएगा ये। इसके अंतर्गत क्या करना है कि जो देखिए September 2015 में जन औषधि स्कीम को रिवैम्प किया गया एज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक, November 2016 में फिर उसको इस तरीके से यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, मतलब उसका नाम हम चेंज कर दिए। अब इट गिव्स फर्दर इंपेटस, अब जो है नया इसमें डायमेंशन जो ऐड किया गया वो क्या किया गया है, इसको रिमेन करके मतलब फिर से रिनेम कर दिया गया इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना,
ठीक है ना। तो आयुष वगैरह के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो एलोपैथी को दरअसल सब्सटीट्यूट करना है क्योंकि उसके सबसे क्या होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं इसलिए। इसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम 1988 का है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री युवा जो योजना है आपकी 2016 की है, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है नॉर्मल। उसके बाद प्रधानमंत्री अन्नदाता जो आय संरक्षण अभियान है 2018 का, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के लिए है। ये स्कीम के द्वारा ये एम किया जा रहा है कि इंश्योर किया जाए जो भी आपका रिम्यूनरेटिव प्राइसेस हैं, किसको, प्रोड्यूसर्स को, किसके प्रोड्यूसर, ऑयल सीड्स के, जो हुज एमएसपी आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, ऑयल सीड्स की बात करें, एंड व्हेन सोल्ड इन द हार्वेस्ट सीजन विदाउट द एक्चुअल प्रोक्योरमेंट, जो प्रोक्योरमेंट होता है बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। इसके बाद इंदिरा आवास योजना है 86 की है, 1986 की, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था और इसको इंप्लीमेंट किया गया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसका एम क्या था, जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको घर प्रोवाइड किया जाए, है ना, और इसमें कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा था, किया गया है 360 लाख हाउसेस का, ठीक है। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है आपकी, ये भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसमें बीपीएल जो भी आबादी है जिनकी एज 60 साल या उससे अधिक है उनको एंटाइटल्ड किया जाएगा मंथली पेंशन 200 रुपए से लेकर 79 ईयर्स ऑफ एज तक, और फिर उसके बाद 500 रुपए तक दिया जाता है 79 के बाद। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है, ये सब सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, फरवरी 2009 में लॉन्च की गई, ये भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पेंशन जो है बीपीएल विडोज के लिए लॉन्च की थी, जिनकी एज जो है 40 से 64 ईयर्स तक, इनको 200 रुपए पर मंथ दिया जाएगा जो भी बेनिफिशियरीज होंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद इंदिरा गांधी के नाम पर नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम भी है, ये 2009 फरवरी में लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो फरवरी 2009 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और इसके अंतर्गत जो भी बीपीएल पर्सन है, जो आपके सीवर और मल्टीपल डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं, जिनका एज ग्रुप 18 से 64 है, उनको 200 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, है ना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2006 फरवरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलसेंट डेवलपमेंट स्कीम जो है 2008 की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आएगी। इसके अंतर्गत क्या दिया जा रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसको, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो क्या कर सकें, जो भी यूथ और एडोलसेंट की एक्टिविटीज हैं उनको वो मूर्त रूप दे सकें। इसके बाद दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम है 1999 की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत आएगी। इसके द्वारा एक ऐसा एनवायरमेंट इनेबल करना है ताकि उन लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सोशल जस्टिस मिले, इक्विटी मिले और उनका भी एम्पावरमेंट हो सके, ठीक है, ताकि वो नॉर्मल जो है वो जीवन जी सके, है ना। ब्रेल जो है एटलस वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा दीनदयाल जो उपाध्याय ग्रामीण कौशल, जो आपका कौशल्या योजना है, वो आपकी 24 सितंबर 2014 की है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है। ये आपका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का ही एक पार्ट है और इसमें इसका डुअल ऑब्जेक्टिव है। एक तो ऐड किया गया इसमें डाइवर्सिटी इनकम के अंतर्गत, है ना, मतलब आय में विविधता हो, जो रूरल की आपकी रूरल एरियाज की पुअर फैमिलीज हैं, और कैटर करना है इसमें कैरियर को भी, किसको, जो आपके आकांक्षी रूरल यूथ हैं, है ना, उनके कैरियर को भी यहां पर बिल्डअप करना है। इसके बाद डिजिटल इंडिया सबको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुलाई 2015। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम आईसीडीएस वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर 1975 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किशोर जो वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है 1999 की, साइंस एंड टेक के डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। इसका एम क्या है, आइडेंटिफाई करना है, इनकरेज करना है जो भी टैलेंटेड और मोटिवेटेड आपके स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो परस्यू करें आरएनडी के क्षेत्र में अपना करियर, ठीक है। नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम जो है, मिशन प्रोग्राम 1988 का, एचआरडी के अंतर्गत आएगा ये आपका, ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम जो है 15 अगस्त 1900, ये आपका 55 का सोशल असिस्टेंस स्कीम है ये आपका, ठीक है ना, और ये 15 अगस्त 1955 का मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत आएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 की, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 4 अप्रैल 2005, इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, तो जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है
उसके द्वारा, वो उसकी नोडल एजेंसी है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो रूरल इलेक्ट्रिसिटी का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको लॉन्च किया गया 2005 में, इस स्कीम को डेडिकेटेड है ये प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, कहां पे, सारे के सारे जो आपके रूरल क्षेत्र के हाउस होल्ड है वहां पर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत है, इसको लॉन्च किया गया ये इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और इसमें प्रोवाइड किया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज किसको, बीपीएल वाले लोगों को, और जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोवाइड करना है प्रोटेक्शन, सुरक्षा किसको, बीपीएल हाउसहोल्ड्स को, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के कारण वो आपके पॉवर्टी के वेस्कस साइकिल में ना फंस पाए, है ना। और जो भी उनको शॉक लगता है, जो हेल्थ अगर किसी भी तरीके की उनको इश्यू हो जाता है, तो वो उससे उनका बचाव कर सके। सक्षम और जो आपका राजीव गांधी स्कीम है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट बॉयज 2014 की है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। स्वर्ण जयंती जो आपका ग्राम स्वरोजगार योजना है वो आपका 1999 का है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है 20 जून 2020 का है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। इसमें जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उन्होंने लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को, ताकि बूस्ट किया जाए रोजगार को, एम्प्लॉयमेंट को, और आजीविका के अवसरों को भी, जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोगों का रिवर्स माइग्रेशन हुआ उस टाइम पे, वो गांव लौट आए, तो उनको यहां पर सिक्योरिटी मतलब प्रदान करना था, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी। 50 करोड़ का यहां पर जो है फंडिंग का प्रावधान किया गया है, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए मिशन मोड में ये कैंपेन चलाया गया है, 125 डेज इन 116 districts ऑफ 6 states। इसके बाद IMPDS है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये अप्रैल 2018 की है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंप्लीमेंट करना नेशन वाइज पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। देखिए यहां पर जैसे राशन कार्ड, अब कोई कहीं का निवासी है, अब बाहर रोजगार कर रहा है, तो भैया बोल रहे हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड कर दो ना, कि ताकि जो भी ऐसी दुकानें हों और ऐसे लोग जो एलिजिबल हों वो उसको वहां से अवेल कर पाए, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन देना था ताकि वो फूड ग्रेन्स को वहां पर फेयर प्राइस शॉप से क्या कर सके, अवेल कर सके, ले सके, उनको एक्सेस कर सके, किस आधार पे, तो वहां पर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर, और ये वन नेशन वन राशन कार्ड के प्लान के अंतर्गत ही है। इसकी वैलिडिटी जो है स्कीम की, वो एक्सटेंड की गई है अप टू मार्च 2022 तक के लिए। इसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम है आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएगा, 97-98 की है। नेशनल जो आपका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है 1985 का है, इसरो ने लॉन्च किया था। अम्ब्रेला स्कीम है ये आपकी, ठीक है, और ये प्लानिंग कमीशन जो था उस समय, उसकी प्लानिंग कमेटी थी, नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम उसने लॉन्च किया था। इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था, यूटिलाइज करना था रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को, किस लिए, तो इन्वेंटराइजेशन के लिए, असेसमेंट के लिए और मॉनिटरिंग के लिए, जो भी हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है उनके उनके संदर्भ में। इसके बाद इको डेवलपमेंट फोर्स स्कीम है 1980 की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। नेशनल सर्विस जो स्कीम है 1969 की है, 1969 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि डेवलप करना है पर्सनालिटी और करेक्टर, किसके अंतर्गत, युवाओं के अंतर्गत, यूथ के थ्रू वॉलेंटरी कम्युनिटी सर्विस। इसके बाद नेशनल यूथ कॉप से आपका 2010-11 का, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का है, और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ये नई जो स्कीम है आपकी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2010-11। किस लिए, टैप करने के लिए जो पोटेंशियल है आपका यूथ का, और उनको चैनलाइज करने के लिए उनकी एनर्जी को टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, ठीक है ना, राष्ट्र निर्माण में उनकी ऊर्जा का क्या करने के लिए, दोहन करने के लिए। इसके बाद स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स है 2010-11 में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंतर्गत आएगा। इसका एम क्या है, तो ऑल अराउंड ऑन पायलट बेसिस पे डेवलपमेंट करना, किसका, एडोलसेंट गर्ल्स का, जिनकी एज 11 से 18 ईयर्स हो। उसके बाद आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है, अगस्त 2017 में लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है, और इसमें जो है इसके अंतर्गत सब स्कीम का जो नाम है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सब स्कीम है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना वो पार्ट है, किसका पार्ट है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का ही वो पार्ट है, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, 1952 की है, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 की है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 की है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएगा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम 2011 की है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था
कि प्रमोट किया जा सके, जो भी मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत जो हाइजीन के जो भी आपके डायमेंशंस होते हैं अमंग एडोलसेंट गर्ल्स अवेयरनेस के लिए, ठीक है, 10 से 19 इयर्स की जो आपकी गर्ल्स हैं, उन गर्ल चाइल्ड है उनके लिए, रूरल एरियाज के लिए। इसके बाद नेशनल लाइफ जो आपका लाइफ स्टॉक मिशन है 2014-15, ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। इसके बाद नेशनल मिशन ऑन मोन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज 2017 की है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। इसके बाद नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट जो है आपकी, वो फरवरी 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर ने लॉन्च किया था। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है दिसंबर 2019 का, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। इसमें ब्रॉडबैंड सर्विसेज को सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करना है यूनिवर्सली, किस रेट पे, अफोर्डेबल प्राइस पे, उसको वाइबल बनाना है। इसके बाद नेशनल सोलर मिशन है जनवरी 2010 का, ये न्यू और जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आएगा। और ये किस लिए किया गया था, ये पहला मिशन है जो ऑपरेशनलाइज्ड किया गया, जिसको परिचालन में लाया गया अंडर द NAPCC, नेशनल जो आपका नेशनल एक्शन प्लान है फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत 8 जो है आपके प्लान्स हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया मिशन, ये फरवरी 2014 में लॉन्च किया गया, MOEF के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत, अब इसका नाम क्लाइमेट चेंज भी हो गया। इसके बाद GIM जो है आपका ग्रीन इंडिया मिशन, ये 8 मिशन में से एक है, यही NAPCC से रिलेटेड है आपका। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अप्रैल 2005 का है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। नेशनल रूरल जो आपका हो गया हेल्थ मिशन, इसी तरीके से अर्बन हेल्थ मिशन है, ये किसके अंतर्गत आएगा, सेम मिनिस्ट्री है, मई 2013 में लॉन्च किया गया। इसके बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है आपका, ये भी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा, है ना, अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया गया। इसमें सपोर्ट करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है किसको, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी कंट्री के रेफरेंस में। इसके बाद नेशनल आयुष मिशन है, ये सितंबर 2014 में लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है। इसमें कॉस्ट इफेक्टिव जो भी आयुष सर्विसेज हैं उसको स्ट्रेंथन करके प्रोवाइड करना, ठीक है, उस तरीके का एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना, है ना, यहां पर अच्छी क्वालिटी की जो आपकी औषधि है आयुर्वेदा सिद्धा, है ना, इन सबको क्या करना, प्रमोट करना, होम्योपैथी को, मतलब एलोपैथी की जगह इन सबको यूज करना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है, मिशन है, वंदे भारत मिशन है, मई 2020 में लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और आपको पता है कि COVID-19 पैंडेमिक के कारण बहुत सारे लोग जो है विदेशों में फंस गए थे, तो उनको वापस लाने के लिए ये जो है आपका लाया गया था मिशन। इसके बाद मिशन सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, 2015 में लॉन्च किया गया, और लॉन्च किया गया ये आपका, ये मिशन जो है आपका क्या किया गया, इसके द्वारा 10 मई 2020 को जो है ये लॉन्च की गई है, 2015 नहीं, सागर जो है 2020 के अंतर्गत लॉन्च किया गया। ये इनिशिएटिव है COVID-19 रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। और इसमें जो आपका बहुत सारे जो आपके, देखिए एक सेकेंड, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। लॉन्च ये 2015 में की गई थी, 10 मई 2020 को इसी के अंतर्गत इनिशिएटिव लिया गया, और जो आपका क्या था, इंडियन नेवल शिप जो है INS केसरी जो है वो कैरी करके ले गया था फूड आइटम्स और मेडिकल असिस्टेंस, किस किस जगह, मालदीव्स है, मॉरिशस है, मडागास्कर है, कोमोरोस है, सेशल्स है, तो वहां पर जो है उन्होंने सहायता जो है अपने नेबरहुड में पहुंचाई थी COVID-19 क्राइसिस के दौरान, ठीक है ना, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, अक्टूबर 2007 का है, और ये मिशन है आपका, ठीक है, एक्ट 2013 का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। नेशनल मिशन ऑन जो आपका ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम है 2014-15 का, यह एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है जुलाई 2015 का है, यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आएगा। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जो है नवंबर 2014 का है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आएगा। अटल इनोवेशन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 2016 का है, नीति आयोग का, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें प्रमोट करना है इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में। इसके बाद नेशनल मिशन जो है आपका नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है आपका मई 2007 का है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ये आपका नेशनल मिशन ऑफ नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है अम्ब्रेला प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया 2007 में R&D को प्रमोट करने के लिए, जो भी आपके एमर्जिंग एरियाज हैं R&D के, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव फैशन के संदर्भ में। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो नेशनल वाटर मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है। इसका जो मेन मिशन है कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, इसमें वेस्टेज को मिनिमाइज करना है और किस तरीके से जो है रैशनलाइज किया जा सके यूज को पानी के, है ना, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, है ना, उनका,
सभी जगह, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की बात इसमें की गई है, ठीक है। इसके बाद इंटर जो आपका इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है 2018 का है, डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसका जो एम है वो ऑगमेंटिंग द एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग मैकेनिज्म जो भी है आपका उसको विथ ऑनलाइन मॉड्यूल्स बेस्ड ट्रेनिंग कपल्ड विथ फ्लेक्सी टाइम, है ना, मतलब जो है जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो फ्लेक्सिबल टाइम पे पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पे वीडियो देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से, कोई भी आपका ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है उसमें। उसी तरीके से इसको भी यहां पर मोबिलाइज करना था। डिजिटल लॉकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का है, मीटी का, जुलाई 2015। सक्षम जो साक्षर भारत प्रोग्राम है आपका, ये आपका जो स्वयं लिखा गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ठीक है ना, और इसका जो सितंबर 2009 का है, साक्षर भारत प्रोग्राम जो है सितंबर 2009 का है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। और स्वयं जो है आपका, है ना, वो वेब्स ऑफ क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, दोनों जो है शिक्षा से रिलेटेड है, एक आपकी साक्षर भारत प्रोग्राम है, एक स्वयं है। तो स्वयं क्या है, स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स जुलाई 2017 की है, ये भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस को लोगों को उपलब्ध कराना, इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेजेड, है ना, मतलब जो भी लोग इस तरीके की सुविधाओं से वंचित हैं उनको। स्वयं जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा, डिजिटल डिवाइड जो है स्टूडेंट्स के बीच में, है ना, इंट्रा और इंटर स्टेट्स के लेवल पे, तो उसको वो दूर करेगा, ठीक है ना, ठीक है। और एक तरीके की ये आपकी नॉलेज इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, और वो जो लोग जो वल्नरेबल हैं इस तरीके की सुविधा से, वो वहां पर उस मेन स्ट्रीम से जुड़ पाएंगे। इसके बाद सोलर और ग्रीन बिल्डिंग प्रोग्राम है 2009 का, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आएगा। इसमें सोलर ग्रीन बिल्डिंग्स की बात की गई है, एनर्जी एफिशियंट ऐसी बिल्डिंग्स बनाना है पूरे कंट्री में, उसका कंस्ट्रक्शन करना है, और उसके लिए वहां पर फाइनेंशियल और प्रमोशनल इंसेंटिव दिए जाएंगे। सोलर सिटी प्रोग्राम फरवरी 2008 का है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत है। यूएनईपी जो है जून 1972, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस का है ये आपका। इसके बाद मैप जो प्रोग्राम है यूनेस्को का है 1977 का। गंगा एक्शन प्लान 1985 का है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसको लाया गया था जो भी आपका रिवर्स है उनके कंजर्वेशन के लिए इसको लाया गया था, ठीक है ना, अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995 लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसको एक्सपेंड किया गया था, इस प्लान के अंतर्गत लाया गया था 1985 में, याद रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी जी के टाइम का 1985 का, फिर इसको एक्सपेंड किया गया 1995 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के अंतर्गत। इसके बाद नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम 2001-2002 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के अंतर्गत आएगा। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव जो है इंपार्ट करना नॉलेज को स्कूल चिल्ड्रंस के अंतर्गत थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अबाउट देयर इमीडिएट एनवायरमेंट, तो जो उनका इमीडिएट एनवायरमेंट है उसको वो कैसे कंजर्व कर सकते हैं, है ना, तो उसके लिए इंटरेक्शन करना और उनके अंतर्गत वैसी अवेयरनेस को क्या करना, उन्नत करना, है ना, उसको जो है वहां पर एम्बेडेड करना उनके करेक्टर के अंतर्गत, और वहां पर प्रॉब्लम्स जो है उसको वो कैसे एड्रेस कर पाएंगे इस बारे में उनको जो है कैटलाइज करना। इसके बाद नेशनल एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन है आपका 1986 का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। आपको पता है कि 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है, इसका एम क्या था, तो क्रिएट करना अवेयरनेस एनवायरमेंटल इश्यूज के संदर्भ में, है ना, जो आपके सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस बात का अवेयरनेस होना चाहिए। इसके बाद क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम जनवरी 2014 का है, ये आपका एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। यूएनडीपी जो है सिंस इंडिया इन 1951, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस का है, इसमें लगभग 170 कंट्रीज हैं और टेरिटरीज हैं जो हेल्प करती हैं आपस में इरेडिकेट करने के लिए, पॉवर्टी है, रिडक्शन करना है इनइक्वालिटीज और एक्सक्लूजन को, और ये कंट्रीज को हेल्प करती हैं पॉलिसीज बनाने में इस तरीके की, लीडरशिप स्किल डेवलप करने में पार्टनरशिप करती हैं, है ना, एबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और बिल्ड करने के लिए जो भी रेजिलियंस मैकेनिज्म है उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के संदर्भ में। इसके बाद जो है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्रोग्राम है नवंबर 2004 का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसमें स्ट्रेंथन करना है, मेंटेन करना है डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी, मतलब विकेंद्रीकृत लैब जो बेस्ड होगी आईटी इनेबल्ड डिसीज सर्विलियंस पे सिस्टम पे, ठीक है, ताकि जो एपिडेमिक प्रोन डिसीज है उनको मॉनिटर किया जा सके, उसके ट्रेंड को देखा जा सके, उसे डिटेक्ट किया जा सके, तभी तो उसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ना, तो उससे संदर्भित है आपका रैपिड रिस्पॉन्स टीम,
ठीक है ना, उसको ट्रेन करके यहां पर रखा जाएगा ताकि जो है उससे कोई भी प्रभाव हो तो उससे तुरंत जो है उसका सामना किया जा सके, है ना, तुरंत रिस्पॉन्स किया जा सके। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का, इसको 1952 में स्टार्ट किया गया और ये अपने तरीके के पहली हमारी नेशनल लेवल का ऐसा प्रोग्राम था जिसमें फोकस किया गया पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को, जनसंख्या स्थिरीकरण को। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है आपकी एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री 1997 का है। नेशनल वायरल जो आपका हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है 28 जुलाई 2018 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस साल बताइए हेपेटाइटिस सी के टीके वीके के लिए किसी को नोबेल मिला गया, उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खादी अगरबत्ती जो आपकी आत्मनिर्भर मिशन है अगस्त 2020 का, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आएगा। इसमें खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाएगा, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं डिफरेंट पार्ट्स में कंट्रीज के, उनको है ना, तो उनको इंक्रीज करना है डोमेस्टिक ऐसी अगरबत्ती प्रोडक्शन के अंतर्गत सब्सटेंशियली, है ना, उनको वहां पर इंडल्ज कराना है। और इसके बाद जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है 2003-04 का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ये प्रिवेंशन और कंट्रोल करेगा जो भी वेक्टर बॉर्न डिसीज है जिसके अंतर्गत मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, लिम्फैटिक है, फिलारिसिस जिसको बोलते हैं, है ना, फाइलेरिया जो है फिलारिसिस, और काला आजार है, ठीक है, और मलेरिया और डेंगू जो है आर आउटब्रेक प्रोन एंड क्लाइमेट सेंसिटिव। इसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस है और ये जो है आपका 2008-09 का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसके बाद नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम 2014-15 का है, ये भी सेम आपकी मिनिस्ट्री है। और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है 1982 का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंतर्गत भी आएगी। स्वदेशी जो आपका स्कीम है वो आपकी 18 अगस्त, है ना, ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत 18 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत 18 अगस्त 2020 मीटी के अंतर्गत आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वाली मिनिस्ट्री। इसमें फर्दर प्रोवाइड करना है इंपेटस किस जगह पे, ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाना है स्टार्टअप का जो इनोवेशन और रिसर्च के लिए संदर्भित हो हमारे देश में। इसके बाद पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है आपकी 2.0 20 मई 2020 की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो है प्रोवाइड किया जाएगा पोर्टफोलियो गारंटी फॉर परचेज ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के परचेजिंग के लिए और कमर्शियल पेपर्स के लिए विद अ रेटिंग ऑफ AA एंड बिलो इशूड बाय NBFCs, HFCs और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यहां पर नेक्स्ट है ट्राई फूड प्रोजेक्ट 20 अगस्त 2020 का है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है। ये अर्जुन मुंडा जी जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने ई लॉन्च किया था इसको। और ट्राई फ्रूट जो प्रोजेक्ट है आपका ये रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है ना, ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंपेन जो है 14 अगस्त 2020 मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि जो कैंपेन चलाया जा सके एम्फेसाइज करने के लिए ऑन अडॉप्टिंग एंड इम्यूनिटी प्रमोटिंग, तो किस तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए, कोविड में सारी चीजें उसी पे डिपेंडेंट है हमारी इम्यूनिटी पे, ठीक है, लाइफ स्टाइल के अंतर्गत हम किस कैसे लाइफ स्टाइल को जिए कि हमारे यहाँ हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, ठीक है ना, जो हमारा पीरियड है कोविड 19 पैंडेमिक, तो उसके अंतर्गत किस तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके। आयुष्मान जो आपका सहकार योजना है ये आपकी 19th ऑफ अक्टूबर 2020 के है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आएगी। इसमें टोटल लोन की जो बात की गई है 10,000 करोड़ दिया जाएगा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर सेटिंग अप हेल्थ फैसिलिटीज को सेटअप करने के लिए। इसके बाद लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट जो है 22nd अक्टूबर 2020 का है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म के अंतर्गत आएगा। ये लाइफ इन मिनिएचर जो है वो प्रोजेक्ट है आपका, ये कोलैबोरेशन है बिटवीन द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। इसके बाद कपिला कलाम जो प्रोग्राम है 15 अक्टूबर 2020 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसके अंतर्गत जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन के रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया था इस प्रोग्राम को। इसमें जो भी आईपीआर की बात की गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी और अवेयरनेस की बात की गई है, उसके संदर्भ में कैंपेन चला गया उनके जो 89th बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, अब्दुल कलाम जी की, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की, मिसाइल मैन जी की, ठीक है। इसके बाद स्टार्स प्रोजेक्ट जो है यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको किया गया अप्रूव, जो अर्लियर यूनियन कैबिनेट था उसने अप्रूव किया प्रपोजल जो है स्टार्स का प्रोजेक्ट का, कब, 14 अक्टूबर 2020 को। इसमें ओवरऑल जो फोकस है जो इसके कंपोनेंट्स है प्रोजेक्ट्स के, उसमें जो भी अलाइनमेंट है किसके साथ करना है,
नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो 2020 की है उसके साथ अलाइन करना है, क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम पे इस पे फोकस किया गया है। मतलब अब लर्निंग आउटकम की बात हो रही थी, पहले तो यही बात होती थी इनरोलमेंट कितना हो गया, अब ये बात है कि भैया आपसे बन कितना रहा, पास तो हो गए आप लेकिन आपसे क्या बनता भी है कि नहीं। ये 6 स्टेट्स में अभी रखा गया है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अभी इसके बाद सहकार प्रज्ञा जो इनिशिएटिव है वो आपका 24 नवंबर 2020 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आएगा ये। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करेंगे इसमें, और आयुष्मान भारत जो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ठीक है ना, ये सेहत स्कीम जो है आपकी रांची झारखंड से इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है 19 अप्रैल 2021 की है, इस स्कीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कब, उनके अर्ली स्टेजेस में, जब वो नासेंट स्टेज में हो, सच एज प्रूफ ऑफ जो आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो, है ना, उनके पास प्रोटोटाइप का कोई कॉन्सेप्ट हो, प्रोटोटाइपिंग हो, प्रोडक्ट का ट्रायल्स हो, मार्केट एंट्री का लेवल हो, कमर्शियलाइजेशन, तो उस टाइम पे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है आपकी आयुष्मान जो CAPF स्कीम है, वो 23 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है ये, यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी है उन्होंने लॉन्च किया इसको। ये जो आपकी स्कीम है वो पर्सनल और डिपेंडेंट्स के लिए है जो CAPF के लोग हैं, है ना, जो आपके फंक्शन कर रहे हैं गुवाहाटी और असम के संदर्भ में। इसके बाद स्वच्छ सारथी फेलोशिप है 1 मार्च 2021 की, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनके संदर्भ में है ये आपका, और इसको जो है आपका क्या नाम है उनका, के विजय जो राघवन है उन्होंने स्टार्ट किया ये आपका स्वच्छता सारथी फेलोशिप, इसको लॉन्च किया गया अंडर द वेस्ट टू वेल्थ मिशन, वेस्ट टू वेल्थ मिशन के रूप में। आप नॉर्डिक कंट्रीज को देखते होंगे, स्विट्जरलैंड वगैरह को, कि किस तरीके से वेस्ट टू यूज मॉडल है, उसी तरीके से ये वेस्ट टू वेल्थ मिशन है। इसके बाद गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है, ये 19 फरवरी 2021 की है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के अंतर्गत है, इसमें स्प्रेड करना है अवेयरनेस को जो बेनिफिट्स हैं आपके ई व्हीकल के, ठीक है ना, ई मोबिलिटी के, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना है, इलेक्ट्रिक कुकिंग को भी इसमें रखा गया है। तो इसके बाद जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन है आपका 22 मार्च 2021 का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से रिलेटेड है, इसके अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया और ये टैगलाइन भी दी और बोला कि ये कैंपेन चलाना है, कैच द रेन कैंपेन ऑन वर्ल्ड वाटर डे, आपको पता है 22 मार्च को उसको ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ठीक है, ये नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत ये कैंपेन है, है ना, इसमें कैच द रेन का टैगलाइन दिया गया है, वही वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आप लोग जानते होंगे, तो वो किस तरीके से जो है वो आप उसको मोबिलाइज करेंगे उससे रिलेटेड है, है ना, क्योंकि मानसून फेड है हमारे यहाँ 60% जो एरिया है, आज भी वहां इरिगेशन मानसून बेस्ड है, तो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो वहां पर भी हम उसका यूज कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आधार क्रांति मिशन है आपका 16 अप्रैल 2021 का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आएगा ये आपका, और ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको लॉन्च किया था आधार क्रांति को, मिशन को, ये डेडिकेटेड है स्प्रेड करने के लिए अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन और एक्सेसिबल टू ऑल लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड की बात इसमें की गई, लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इसका मोटो क्या है, तो उत्तम आहार उत्तम विचार और गुड डाइट गुड कॉग्निशन, ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है 2020 का, ये एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है जो आपका फंड दिया इसमें 500 करोड़ रुपीस का, इसके अंतर्गत 3 ईयर्स के लिए 2020-21 से 2022-23 के लिए, और इसमें अनाउंस किया गया है ये किस पार्ट के अंतर्गत, आत्मनिर्भर भारत स्कीम के एक पार्ट के अंतर्गत इसको अनाउंस किया गया है। इसमें ओवरऑल जो प्रमोशन करना है, डेवलपमेंट करना है साइंटिफिक बी कीपिंग का पूरे भारत में, ताकि जो हमको गोल है वो हम अचीव कर पाए स्वीट रिवॉल्यूशन का, विच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू नेशनल बी बोर्ड, उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद आर्या स्कीम है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, 2015-16 में लॉन्च की गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगी, इसके अंतर्गत ये ऑपरेशनल है अभी 25 स्टेट्स में थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू, और एक डिस्ट्रिक्ट
पर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें कम से कम पार्टिसिपेट करेगा। इसका एम क्या है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अट्रैक्ट करना है, एम्पावर करना है रूरल यूथ जो है उसको वेरियस एग्रीकल्चरल और उससे संदर्भित सेक्टर्स में वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आए, एंटरप्राइजेस बने। किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर और उसके साथ जो भी अलाइड सेक्टर है उसके अंतर्गत, ठीक है ना, ताकि जो है सस्टेनेबल इनकम भी हो उनकी और एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिल सके और ओवरऑल जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम किस तरीके का डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट भी कर पाए। इसके बाद इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग, ये 13th of November को जो है अप्रूव किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है किस तरीके से जो मार्केट स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का उसको डेवलप किया जाए, उसके बारे में इनोवेशन किया जाए, नई टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाए, कॉम्पिटेटिव अल्टरनेस जो भी कॉम्पिटेटिव आपके कॉम्पिटेटिव अल्टरनेटिव है उनको भी अपनाया जाए एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। डेयरी प्रोसेसिंग और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका क्या है यहां पर डेवलपमेंट फंड स्कीम है ना, मतलब डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम की बात कर रहे हैं। यूनियन बजट 17-18 में इसकी बात हुई थी, 2017-18 फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत लोन असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है ना, स्टेट डेयरी फेडरेशन को, डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन को, मिल्क प्रोड्यूसर जो कंपनीज हैं उनको भी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, एनडीडीबी सब्सिडाइज जो होती हैं अक्रॉस द कंट्री उनको, हु आर टर्म्ड एज एलिजिबल एंड बोरोवर्स। ये फंडिंग किस पीरियड के लिए है, 2017-18 से 19-20 के लिए। स्कीम को रिवाइज किया गया अभी 18-19 से 2022-23 के लिए और रीपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड किया गया 2030-31 तक के लिए विद स्पिल ओवर टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2031 एंड 32। इसके बाद किसान जो है आपका है ना, स्कीम जो है आपकी किसान, ठीक है, तो इसमें आप तो क्या, अगर ये कब लॉन्च की गई आपकी, अक्टूबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। इसमें प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसमें मतलब देखा जाएगा, निगरानी की जाएगी, जोर दिया जाएगा हाई रिजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा को, ठीक है ना, ताकि जो आपका ऑप्टिमम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट प्लानिंग है इसके अंतर्गत इंप्रूव्ड यील्ड एस्टिमेशन है। अंडर दिस प्रोजेक्ट पायलट स्टडीज भी किया जाएगा, वर कंडक्टेड ऑलरेडी इन फोर डिस्ट्रिक्ट्स, चार स्टेट्स के अंतर्गत हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो कुल मिलाकर टेक्निक्स का, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर डोमेन में। द ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये स्कीम को, जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है जो है आपका, इसको अप्रूव किया गया बियॉन्ड द 12th 5-year प्लान फॉर द पीरियड 2017-18 से 19-20 के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगा और ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कृषोन्नति योजना है उसके अंतर्गत, ये आपकी एक अम्ब्रेला स्कीम है उसी के अंतर्गत ही आपका, ये कंप्राइज करती है बोथ सेंट्रल सेक्टर एज वेल एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके 12 और भी मिशंस इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है ना, कृषोन्नति जो योजना है उसी के अंतर्गत की बात करें, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो है मिशन फिंगरलिंग है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड है और ये मिशन में अचीव करना है टारगेट हमको, एनहेंस करना है फिशरी प्रोडक्शन को, फिशरीज के प्रोडक्शन को, ये भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जो है जो बात की जा रही है कि 10.79 MMT से जो 2014-15 में था उसको 15 MMT तक ले जाना है 2020-21 में अंडर द ब्लू रिवॉल्यूशन। इसके बाद नेशनल बैम्बू मिशन है आपका 2006-07 का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का है, इसको लॉन्च किया गया एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और इस मिशन के अंतर्गत इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को भी रखा गया है ड्यूरिंग 2014-15 से कंटिन्यू कर दिया गया है टिल 2015-16 दो। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-06 का है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का है, इस स्कीम को सब्स्यूम किया गया एज अ पार्ट ऑफ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ड्यूरिंग 2014-15। इसके बाद जो आपका निकरा है नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर February 2011 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स और वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, इस तरीके का देखिए जो क्लाइमेट के जो आपके क्या है साइड इफेक्ट्स उसके संदर्भ में रिजिलियंट एग्रीकल्चर को यहां पर क्या करना, उस तरीके का नेटवर्क बनाना है और वो कौन करेगा, ICAR, उसी ने लॉन्च किया है इसको February 2011 में। इसका एम क्या है कि रिजिलियंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी थ्रू स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेशन। तो भैया क्लाइमेट चेंज के कारण जिस तरीके से हमारे यहाँ कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी बारिश ही नहीं है ना, तो क्या हो गया, उससे किस तरीके से हम बचाव कर पाएंगे, उस संदर्भ में इसमें जो R&D वगैरह करना है वो इसके द्वारा यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। इसके बाद जो
नेक्स्ट है वो हमारा NMAET है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत है। ये मॉडिफाइड एक्सटेंशन रिफॉर्म स्कीम है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2010 में। इस मिशन के अंतर्गत रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, किसको? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को, है ना, इनेबल करने के लिए, डिलीवरी को एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, और इंप्रूव किया जाएगा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को, है ना, फार्मर्स के संदर्भ में बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद नेशनल मिशन फॉर बोवाइन प्रोडक्टिविटी, पहले भी देखा हमने, 2016 नवंबर की है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। इसमें इनहेंस करना है मिल्क प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, और किस तरीके से जो आपकी किसानों की आय है उसको भी इसके द्वारा बढ़ाया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगा, और 2014-15 में ये ऑपरेशनल हुई, ठीक है। और इसका एम क्या है? एट मेकिंग एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिविटी की बात आप हर जगह देखेंगे, सस्टेनेबल, रीजनरेटिव, क्लाइमेट रिजिलियंट, बाय प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम। सॉइल हो गया, मॉइस्चर हो गया, कंजर्वेशन मेजर्स हो गए, कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हो गया, एफिशियंट वाटर यूज हो गया, ऐसी प्रैक्टिसेस, है ना, तो जो रेन फेड टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज करना, तो वो सब जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित है। नाउकास्ट प्रोजेक्ट 2015 का है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, विथ बैक एंड सपोर्ट जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है, ठीक है। और इसमें प्रोवाइड करना है टाइम जो है आपका, टाइमली जो अलर्ट दिया जाए एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बारे में फार्मर्स को, है ना, ताकि वो उस संदर्भ में मेजर्स को अपना सके। इसके बाद जो नया नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, ये 2016 की है, ये भी एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना एग्रीकल्चर एजुकेशन को इंडिया में। प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड है ना, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका भी ऑब्जेक्टिव है सेफगार्ड प्रोवाइड करना, है ना, जो इंटरेस्ट है आपके ग्रोवर्स के, और उनको प्रोवाइड करना फाइनेंशियल रिलीफ जब भी प्राइस में बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन होता है या वो बिलो चला जाता है स्पेसिफिक लेवल के, तो उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। RKVI रफ्तार स्कीम 2017-18, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगी। इसमें गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था, और ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ही आएगी। उसी के अंतर्गत रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस रही है आपकी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के, है ना, 3 इयर्स के ड्यूरेशन के लिए, 2017-18 से 2019-20 के लिए। इसके बाद SFAC है, इंपॉर्टेंट, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगी। ये ऑटोनोमस सोसाइटी है, और ये प्रमोटेड है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका रजिस्ट्रेशन 1860 का जो आपका सोसाइटी एक्ट है उसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना, जनवरी 1994 में। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सी एंट्री है, ठीक है। नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है सितंबर 2019 का है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से रिलेटेड है। इसका एम क्या है? तो ओवरऑल जो एम है इसका, तो डिसीज कंट्रोल करना है एनिमल के संदर्भ में, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है आपका। और ये जो आपका ब्रुसेलोसिस है ना, उसको कंट्रोल करना है इसके अंतर्गत बाय 2025 विथ वैक्सीनेशन एंड इट्स इवेंचुअल इरेडिकेशन बाय 2030। तो 2025 तक इसको कंट्रोल करना और पूरा इरेडिकेट करना है 2030 तक। इसके बाद पशुधन जो संजीवनी नकुल स्वस्थ जो आपका पात्र स्कीम है वो 2017 की है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से रिलेटेड है। इसमें एनिमल वेलनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत एनिमल हेल्थ कार्ड भी इशू किया जाएगा, जो आपका नकुल स्वास्थ्य पात्र है, है ना, पत्र है जो आपका नकुल स्वास्थ्य पत्र है ये आपका, ठीक है ना, पत्र तरीके का, सर्टिफिकेट टाइप का। मिशन मधुमेला जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, और 28 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया है। इसमें प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात की जाएगी डायबिटीज की, किसके थ्रू? आयुर्वेद के थ्रू। स्वास्थ्य रक्षा जो आपका प्रोग्राम है 2016 का है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। इसमें हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन जो है गांवों में प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें प्रमोट किया जाएगा, वहां पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी उस संदर्भ में। न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है ना, एनपीके का मैटर आपको पता ही होगा, तो अप्रैल 2010 का है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर का। इसमें फिक्स अमाउंट में सब्सिडी दी जाएगी, वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट एनुअल बेसिस पे, और प्रोवाइड किया जाएगा प्रत्येक ग्रेड पे, ठीक है ना, जो सब्सिडाइज पी और के फर्टिलाइजर्स है ना, एन की बात नहीं है, एक्सेप्ट फॉर यूरिया बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट इन देम।
इसके बाद मार्केट एक्सेस जो है इनिशिएटिव स्कीम है 2003 की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की है। इसके अंतर्गत एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है एक तरीके की, इसको एम किया जा रहा है एज अ कैटलिस्ट टू प्रमोट इंडिया एक्सपोर्ट ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस, है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि जो है हमारा क्या हो, जो करंट अकाउंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसको हम क्या कर सके, पॉजिटिवली उसको कैटर कर सके। इसके बाद मर्चेंडाइज जो आपका एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम है 2015 की, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की है। ये जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था 2015 से 20 के टेन्योर के लिए, उसी से संदर्भित है। इसमें दो स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया 2015-20 में एज अ पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, द अदर स्कीम इज SEIS, मतलब सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम हो गई, है ना, एक, ठीक है ना, उसके अंतर्गत वो भी सम्मिलित है। इसके बाद जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, ये आपका जो लोकल लेवल पे प्रोडक्ट्स हैं वो जो लोग उनको ग्रो कर रहे हैं, उनके आय की सुरक्षा जो है, आपकी इनकम सिक्योरिटी, और उसको स्पेसिफिक जो है कि स्टैंडर्ड प्रदान करने के लिए इस तरीके की चीजों को अपनाया जाता है। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा ये आपका, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो पहला आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसने इसको लॉन्च किया था इस कॉन्सेप्ट को 2018 में। इसका एम क्या है, तो इनकरेज करना इंडिजीनियस और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को, सच एज कारपेट्स हैं आपकी भदोही की, परफ्यूम है कन्नौज का, काला नमक राइस है आपका सिद्धार्थ नगर का, इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, एग्जांपल दे रहे हैं। इसका एम क्या है, क्रिएट करना प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हब को क्रिएट करना अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इसके बाद निर्यात बंधु स्कीम है, ये 2011 अक्टूबर की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भैया रीच आउट, ये पहुंच सुनिश्चित करना जो नए और पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं, और मेंटोर देम थ्रू ओरिएंटेशनल, जो भी ओरिएंटेशन से संदर्भित प्रोग्राम है, तो उनके अंतर्गत क्या करना, उनको बूस्ट करना, है ना, उनको वो जानकारी देना, काउंसलिंग सेशन देना, इंडिविजुअल को भी फैसिलिटीज देना, ताकि जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में वो एंट्री कर सकें और बूस्ट कर सकें एक्सपोर्ट्स को फ्रॉम इंडिया, है ना, ठीक है, देश को ही फायदा होगा उससे। उसके बाद रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप, सितंबर 2016 की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की है। इसके अंतर्गत जो प्लांटेशन ग्रोवर्स हैं उनको रिस्क से क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, उसके रिस्क को कवर करेंगे, सच एज पेस्ट अटैक्स, यील्ड लॉस और इनकम डिक्लाइन कॉज बाय फॉल इन प्राइसेस, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट 2016 सितंबर में हुआ था, इंप्रूव करने के लिए फॉर्म द प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड स्कीम 2003 विच वॉज क्लोज इन 2013। इसके बाद सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है 2015 की, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत का जो एम है वो सर्विस एक्सपोर्ट को ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाना है। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम है मार्च 2017 की, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की है। इसका एम क्या है, तो एक्सपोर्ट को लिंक करना, एक्सपोर्ट लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट विद अ व्यू टू प्रमोटिंग आउट बॉन्ड शिपमेंट। इसके बाद विशेष कृषि एंड जो आपकी ग्राम उद्योग योजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगी। इसका भी एम है प्रमोट करना एक्सपोर्ट को जो रिलेटेड हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से, माइनर जो आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड है, ग्राम उद्योग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एज पर द 2015-20 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो ये है आपका मर्ज कर दिया गया है MEIS में। इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री। इस जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज FDI टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी जो टैरिफ्स होते हैं, जो आपके टैक्सेस होते हैं, उसमें उनको छूट दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसी चीज जो है एस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये एक तरीके से ग्रोथ के इंजन के रूप में फिर काम करता है, है ना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये नोटिफाई किया गया April 1, 2020 को एज अ पार्ट जो आपका नेशनल पॉलिसी है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसी से संदर्भित है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा ये, और इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर के बाद डायरेक्टली हमने जंप किया है कहां, सर्विस सेक्टर में, टर्शियरी में। तो हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी भी अपेक्षित रूप से वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया सारी चीजें लाई जा रही। इसके बाद भारत नेट प्रोजेक्ट है, इसमें जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है ना उसी से रिलेटेड ये आपका भारत नेट प्रोजेक्ट को ओरिजिनली लॉन्च किया गया 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में, और फिर इसका नाम बाद में भारत नेट रखा गया 2015 में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत प्रोवाइड करना है अफोर्डेबल लास्ट माइल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, कहां पर, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में पूरे देश में, है ना, ऐसा तब से एम बना है, अब जब तक में पहुंच जाए। इसके बाद दर्पण जो प्रोजेक्ट है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस जो है आपका
फॉर अ न्यू इंडिया, ये दिसंबर 2017 का है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। ये जो है प्रोवाइड करेगा लो पावर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, जो इनेबल करेगा ईच ऑफ अराउंड 1.29 लाख ब्रांच जो है आपकी पोस्ट ऑफिस की। इंप्रूव होगा वहां पर सर्विस का लेवल है ना, जो ऑफर्ड की जाती है रूरल कस्टमर्स को। और ये यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कंप्लीट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को मार्च 2018 तक, ठीक है ना, तभी तक टारगेट किया जाना था। अब पता नहीं कि टारगेट मीट हुआ कि नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री जो आपकी गरीब कल्याण अन्न योजना है 2020 की, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आएगा। ये जो है आपका टीपीडीएस जो आपने सुना था, टारगेट पब्लिक जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उस पर और ज्यादा फोकस करना और टारगेट करना टुवर्ड्स द पुअरेस्ट सेक्शन, है ना, जो आप वंचित में और भी ज्यादा वंचित वर्ग, गरीबों में गरीब, उस पॉपुलेशन को टारगेट करना है। इस स्कीम को अनाउंस किया गया एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट रिलीफ पैकेज, जो पहला आपका राहत पैकेज था ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक। इसके बाद कला संस्कृति विकास योजना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है, ये अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। इसमें प्रमोट करना है आर्ट एंड कल्चर को थ्रू आउट द कंट्री। प्रोजेक्ट मौसम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जून 2014 का है। इसमें एस्टैब्लिश करना है क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस और रिवाइज करना है हिस्टोरिक जो आपके मैरीटाइम कल्चर और इकोनॉमीज हैं उनके साथ टाइज करना है, जो आपके IOR रीजन के जो आपके क्या है क्षेत्र है 39 इंडियन ओशियन कंट्रीज। इसके बाद नेशनल मानसून मिशन है आपका 2012 का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का है। इसमें इंप्रूव करना है सीजनल और इंट्रा सीजनल मानसून फोरकास्ट को, इंप्रूवमेंट करना है यहाँ पर मीडियम रेंज फोरकास्ट को। ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स और आपका टेक्नोलॉजी स्कीम जो है आपकी, वो आपकी अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अगस्त 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है। इसके बाद एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वे जो आपका ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज हैं अक्रॉस जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। इसका एम क्या है, तो इंप्रूव करना है स्किल ऑफ वेदर क्लाइमेट फोरकास्ट थ्रू सस्टेन्ड ऑब्जर्वेशन इंटेंसिव R&D। इसके बाद डीप ओशियन मिशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का 2018 का। ग्राम कृषि मौसम सेवा 2019 का है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। इसमें जो एम है, इसका ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी किसको अवेल कराना, फार्मर्स को। उन्नत भारत अभियान 2014 का है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसमें लिंक करना है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को विद सेट ऑफ एटलीस्ट जो है 5 villages, 5 गांवों के साथ उनको लिंक करना है ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके इकोनॉमिक और सोशल बेटरमेंट के लिए विलेज कम्युनिटीज के साथ, ठीक है, वहां पर नॉलेज बेस को बढ़ा सके। इस स्कीम के अंतर्गत जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो आपका क्या है, मनोदर्पण इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव जुलाई 2020 का। इसका ऑब्जेक्टिव है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को। कोविड के कारण वहां पर साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा क्या हुआ है, इंपैक्ट पड़ा है लोगों के दिमाग पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत HRD के अंतर्गत आएगा। ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम, ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है जुलाई 2020 का है। इसमें जो एक तरीके का ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, इसमें इंप्रूव करना है क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। इसके द्वारा बिल्ड किया जाएगा कॉम्पिटेंसी को अमंग ऑल द टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल एट द एलिमेंट्री स्टेज, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अच्छे तब होंगे जब फैकल्टी अच्छे होंगे। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो है, और आपके देखिए यहां पर प्रधानमंत्री जो है आपकी वो इनिशिएटिव, देखिए यहां पर जो है आपका PMILP जिसको ध्रुव लिखा है इन्होंने, ये आपका क्या है, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग ई लर्निंग प्रोग्राम है, PMILP ध्रुव बोला जा रहा है। इसका जो फर्स्ट बैच जो प्रोग्राम है इंप्लीमेंट किया गया ड्यूरिंग अक्टूबर 2019 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। ये आपका एम क्या है, इसका आइडेंटिफाई करना और इनकरेज करना टैलेंटेड चिल्ड्रन को, उनको जो स्किल्स है नॉलेज है उसको एनरिच। इसके बाद इंपैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस स्कीम जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2018 में इसको सैंक्शन किया था स्कीम को। ये इंपैक्टफुल जो पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस है आपका इंप्रेस भी बोला जाता है। इसमें जो टोटल कॉस्ट है 414 करोड़ की है और इंप्लीमेंटेशन है इसका 31 जून 2021 को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। ये स्कीम भी जो है वो आइडेंटिफाई करेगी और फंड करेगी रिसर्च प्रपोजल्स को जो सोशल साइंस से रिलेटेड है और जिसका मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ रहा है गवर्नेंस पे और सोसाइटी पे भी, ठीक है ना, गवर्नेंस और सोसाइटी दोनों पर। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी स्कीम वो PM रिसर्च फेलो स्कीम है, बजट 2018-19 में इसकी बात थी और एजुकेशन के अंतर्गत ये भी आएगी। और इसमें रियलाइज करना है इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का,
प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए, किसके? नेशन के। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, जिसको श्रेयस बोला जाता है, फरवरी 2019 की है, एचआरडी के अंतर्गत आएगी ये भी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रोवाइड करना इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, टू द जनरल ग्रेजुएट्स, जो जनरल ग्रेजुएट्स है उनको इंडस्ट्री से एक तरीके से लिंक करना, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग इन अप्रैल 2019 थ्रू द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो आपकी है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो इससे जो है जॉब एक्सपोजर के लिए उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, इसलिए इसको लाया गया। इसके बाद स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी, स्ट्राइड जिसको बोला जा रहा है, 2019 की है, लॉन्च किया गया बाय यूनिवर्सिटीज, जो आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी उसके द्वारा। इसके द्वारा यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, रिसर्च कल्चर को बढ़ाया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा कैपेसिटी को, कैपेसिटी बिल्डिंग में प्राप्त मतलब काम करेगा ये, और प्रमोट करेगा इनोवेशन को, सपोर्ट करेगा ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च और इंडिया को डेवलप करने के लिए, कैसी इकोनॉमी के रूप में, नॉलेज इकोनॉमी के रूप में, और नेशन भी बिल्डिंग होगा इसमें, ठीक है ना। ये जो इसमें फंडिंग की बात है, टू फंड मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क, हाई इंपैक्ट जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, इन ह्यूमैनिटीज की बात की गई है इसमें और ह्यूमन साइंस। इसके बाद स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम अप्रैल 2018 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें बूस्ट किया जाएगा कंट्री का शेयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और सब्सिक्वेंटली इंप्रूव किया जाएगा ग्लोबल रेपुटेशन को और रैंकिंग को, जो हमारे यहाँ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की है उनकी रैंकिंग को बढ़ाना, स्तर को बढ़ाना है। उच्चतर जो आविष्कार योजना है 6 अक्टूबर 2015 की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत है, ये जो है इसको अनाउंस किया गया था 6 अक्टूबर को। इसका व्यू क्या था, प्रमोट करना इनोवेशन को, है ना, उसके हायर ऑर्डर को, जो डायरेक्टली इंपैक्ट डाल सके किसमें, जो आपकी आवश्यकता है इंडस्ट्री की, ताकि वो उससे लिंक हो पाए और उसके बाद इंप्रूव कर पाए कॉम्पिटेटिव एज को, किसमें, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसके बाद जीएसडीबी की बात करें, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2017 का है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आएगा। इसमें जो है एम है इसका कि ट्रेन किया जाए ओवर 5.5 लाख वर्कर्स को एनवायरमेंट और फॉरेस्ट सेक्टर्स के अंतर्गत कंट्री में थ्रू 30 कोर्सेज बाय 2021। किस लिए, ताकि सस्टेनेबल जो है वो डेवलपमेंट किया जा सके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन किया जा सके और मैनेज किया जा सके नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझिए उसको आप। उसके बाद कंसेशनल जो आपकी कंसेशन जैसे मिलता है वैसे कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम है आपकी 2015-16 की। इसमें एम किया जा रहा है कंसेशनल जो है आपका फाइनेंस प्रोवाइड करना इन्वेस्टमेंट में, है ना, इन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं अब्रॉड में, वहां पर किस तरीके से जो है रियायती शुल्क पर फंडिंग किया जा सके अंडर द सीएफएस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये सपोर्ट करिए इंडियन कंपनीज को जो बिडिंग करते हैं, वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अब्रॉड में सिंस 2015-16। एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम कंटिन्यूज टू बी रेलिवेंट, इट इज प्रपोज टू एक्सटेंड द स्कीम फॉर अनदर 5 ईयर्स 2018-23 के लिए भी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है 2015 की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारे यहाँ बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट कर लेते हैं तो उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मतलब जो आपका अकाउंट है वो प्रभावित होता है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ जो है वो क्या होता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो उसी को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम लाई गई है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर जो है आप बैंक में 1 से 15 साल तक के लिए उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। किस तरीके में, मतलब एक गोल्ड के फॉर्म में, है ना, उसको गोल्ड बॉन्ड वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा, उसी तरीके का है ये आपका, ताकि इंपोर्ट पे जो है कमी लाया जा सके गोल्ड में, है ना। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम है 29 जून 2020 की, और ये फूड इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा, जो मिनिस्ट्री है आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और ड्यूरेशन इस स्कीम की इंप्लीमेंट करने की 2020-21 से 24-25 के लिए है, और इसमें जो फंडिंग की बात है 10,000 करोड़ की है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर जो आपका स्वस्थ भारत योजना है, ये आपका 1 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो बजट स्पीच था 2021-22 का, उसमें इसका उल्लेख किया गया था, अनाउंसमेंट इसका 1 फरवरी 2021 को किया गया। इसमें जो आउटले है फंडिंग का वो 64,180 करोड़ है, और ये ओवर 6 ईयर्स के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक के लिए है। ड्यूरेशन इसका जो इस स्कीम का है वो 6 साल है, याद रखिएगा 6 साल है। मिशन परिवार विकास जो है आपका 11 जुलाई 2017 का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का। इसमें एक्सेलरेट करना है एक्सेस को टू हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग चॉइसेस,
ठीक है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, रिलायबल सर्विसेज एंड सप्लाईज विद इन अ राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क। तो इसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ टोटल जो आपका फर्टिलिटी का जो आपका रेशियो है, जो लेवल है, तो उसको 2.1 तक लिमिट करना है 2025 तक, ये टारगेट सेट किया है। 2.3 है अभी शायद, है ना, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना है, 2.3 ही है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 2013 का है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। इसमें अर्ली आइडेंटिफाई करना है और अर्ली इंटरवेंशन करना है चिल्ड्रन के लिए फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स, इसलिए कवर करने के लिए 4D, डिफेक्ट ऑफ एट बर्थ, डिसीज इन चिल्ड्रन, डेफिशियंसी कंडीशंस एंड डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज, तो इनके लिए है वो। इसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो आपका प्रोग्राम है 1985 का, ये हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत 3 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया यूनिवर्सली, है ना, ताकि जो आपका क्या 1985 में चलाया गया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इसके बाद फेम इंडिया स्कीम, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा इसको, बहुत ज्यादा न्यूज में थी आपकी, ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंतर्गत इसको 2015 में लॉन्च किया गया, हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसमें फिजिकल और मॉनेटरी जो है इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि एडॉप्शन किया जा सके, ऐसा मार्केट क्रिएट किया जा सके जहां पर हाइब्रिड जो आपके इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है और हाइब्रिड व्हीकल्स है उनको कंट्री में लाया जा सके, ताकि जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाले आपके क्या है व्हीकल उनमें कमी लाया जा सके, है ना, इसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है। इसके बाद एंटी नार्कोटिक्स स्कीम 24 अक्टूबर 2004 की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो जो इलिसिट जो आपकी लीगल ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की, है ना, जो साइकोट्रॉपिक आपके सब्सटेंसेस होते हैं उससे बचने के लिए जो है इसको लाया गया था सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए, ठीक है। तो वहां पर जो है उनको क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, इंटर स्टेट में जो आपका ये ड्रग ट्रैफिकिंग होता है या इंट्रा स्टेट में, तो उसको क्या किया जा सके, वहां पर टीवी किया जा सके, उससे बचाव किया जा सके। साइबर सुरक्षित भारत जो है जनवरी 2018 का है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें स्पीड अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा अबाउट साइबर क्राइम एंड बिल्डिंग कैपेसिटी की बात की गई है फॉर सेफ्टी मेजर्स फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एंड फ्रंटलाइन आईटी स्टाफ अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसके बाद डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है 2012 का, ड्रिप जिसका नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। इसका जो एम है वो इसमें इंप्रूव कर रहे हैं सेफ्टी और जो ऑपरेशन है, है ना, सेफ्टी से रिलेटेड सेलेक्टेड डैम्स के लिए पूरी कंट्री के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट पे यहां पर स्ट्रेंथनिंग करना है विद अ सिस्टम वाइड मैनेजमेंट अप्रोच। सोलर चरखा मिशन जून 2018 का है, एमएसएमई के अंतर्गत आएगा मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इसमें क्या करना है, तो इसमें जो जोर दिया जाएगा सेटअप करने के लिए सोलर चरखा क्लस्टर्स बनाए जाएंगे विच विल हैव 2042 बेनिफिशियरीज, है ना, जिसमें स्पिनर्स भी होंगे, वेवर्स भी होंगे, स्टिचर्स भी होंगे और अदर जो भी आपके स्किल्ड आर्टिशंस हैं वो आएंगे। एस्पायर स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट 2015 के है, ये स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये भी एमएसएमई के अंतर्गत आएगा। ये इसमें एक तरीके का नेटवर्क बनाना है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी सेंटर्स इंक्यूबेशन सेंटर को एक्सेलरेट करे, किस संदर्भ में, एंटरप्रेन्योरशिप के संदर्भ में, और यहां पर प्रमोट किया जाएगा स्टार्टअप्स को फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब रूरल और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। इसके बाद पीएम ईजीपी है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है 2008-09 का, एमएसएमई से रिलेटेड है और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है और जनरेट करना है सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है ना। इसके बाद स्फूर्ति है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज 1 अगस्त 2014 की, एमएसएमई के अंतर्गत आएगा ये भी, और इसमें जो है ऑर्गेनाइज करना है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को जो आर्टिशंस वगैरह हैं, है ना, इनटू क्लस्टर्स टू मेक देम कॉम्पिटेटिव, ठीक है। उसके बाद स्टाफ स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आएगा, 2015 की स्कीम है आपकी। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अपग्रेड करना है स्किल्स और ट्रेनिंग को, है ना, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अंतर्गत बाय प्रिजर्वेशन एंड ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल जो आपके आर्ट्स और क्राफ्ट्स होते हैं ना उनको संरक्षित करना है और वहां पर उनको रोजगार भी दिलाना है। जियो पारसी स्कीम जो है माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आएगी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये फर्स्ट फेज है स्कीम का जो लॉन्च किया गया 2013 में, सेकेंड जो है 2017 में, ठीक है। इसमें पारसी जो पॉपुलेशन जो आपकी डिक्लाइन हो रही है उसको एड्रेस करने के लिए इसको लाया गया है ना, ताकि जो है इनके डिक्लाइन को रोका जा सके, डिक्लाइनिंग जो ट्रेंड है पारसी पॉपुलेशन को, ठीक है, और साइंटिफिक जो है प्रोटोकॉल अपना के अडॉप्ट करके जो है इनकी पॉपुलेशन को वापस से बढ़ाया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके, इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके। नई मंजिल स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आएगी, 8 अगस्त 2015 की है, और ये जो है एक तरीके का
एजुकेशन ब्रिज प्रोग्राम है। जो भी एलिजिबल माइनॉरिटी यूथ होंगे वो आपके ऑप्टेन कर सकेंगे ओपन स्कूल सर्टिफिकेशन ऑफ क्लास 8 और 10। पढ़ो प्रदेश जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का है, जून 2006 का है ये स्कीम, और इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है इसमें एजुकेशनल लोन में जो भी ओवरसीज स्टडीज के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जाएंगे स्टूडेंट। रूफटॉप सोलर स्कीम जो है आपकी, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। एम क्या है इसका कि जो क्यूमुलेटिव जो आपकी कैपेसिटी है 40,000 मेगावाट की फ्रॉम रूफटॉप सोलर जो आपकी स्कीम है उससे इसको अचीव किया जाएगा 2022 तक। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन 2010 जनवरी में लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आएगा। और इसके अंतर्गत जो आपके एनएपीसीसी की बात की थी हमने, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 का है, उसी के अंतर्गत ये भी एक प्लान है आपका, ठीक है। इस मिशन के अंतर्गत एम्बिशियस टारगेट सेट किया गया था, जो आपका 20,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टिविटी की बात की गई थी 2022 तक, अब उसको रिवाइज कर दिया गया है, 1,00,000 मेगावाट कर दिया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 11 अक्टूबर 2014 की है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसको लॉन्च किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के एनिवर्सरी में, संपूर्ण क्रांति याद होगी आप लोगों को। इसके द्वारा एमपीज जो होते हैं वो पिक करेंगे एक विलेज को विद अ पॉपुलेशन ऑफ 3,000-4,000 प्लेन एरिया में, और जहां पर जो आपका हिली रीजन है ना वो जो है 1,000-3,000 जनसंख्या वाला जो गांव होगा वहां के लिए लॉन्च करेंगे। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को सेलेक्टेड विलेजेस में, है ना, जहां पर मल्टीपल एरियाज पर फोकस किया जाएगा, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, एनवायरमेंट है, लेवलीहुड है, ठीक है। इसके बाद जो आपका स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ये स्कीम अप्रूव की गई 2015-16 में और को स्टार्ट किया गया 2017-18 में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है एज अ सब स्कीम सिंस 2016 नॉर्मल सी स्कीम है। इसके बाद प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल्स स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई प्रिज्म जिसको बोला जा रहा है, ये आपका जो 12th 5-year प्लानिंग थी उसके अंतर्गत लाया गया था, साइंस टेक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसमें हेल्प करना है किसी इंडिविजुअल इनोवेटर को ताकि वो सक्सेसफुल टेक्नोप्रेन्योर बन सके, वर्ड देख रहे हैं आप, टेक्नोप्रेन्योर। इसके बाद पावर इनिशिएटिव जो है 11th 5-year प्लान का है, ये साइंस टेक के जो आपके यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और ये जो है क्यों बनाया गया, इसी के अंतर्गत द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है जिसको सर्व बोलते हैं एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में। ये स्टैचुरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत। इसका क्या मतलब ऑब्जेक्टिव था, और तो नेचर ऑफ सपोर्ट जो है सर्व का, पावर फेलो इज एंटाइटल्ड फॉर आर फेलोशिप दी जाती है इसमें 15,000 पर मंथ इन एडिशन टू रेगुलर इनकम, ठीक है। और इसमें रिसर्च ग्रांट की भी बात की गई है 10,00,000 पर एनम की, ठीक है। इसके बाद निधि है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ये भी साइंस एंड टेक के अंतर्गत है। इसमें नर्चर करना है जो आइडियाज हैं, इनोवेशन है ना, उसको ताकि नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन जो है स्टार्टअप्स को ग्रो किया जा सके, ठीक है। इसमें प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड किया जाएगा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नॉट ओनली टू द प्रेसिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो टारगेट्स टू क्रिएट न्यू एवेन्यूज फॉर वेल्थ एंड जॉब क्रिएशन। इसके बाद स्वर्ण जयंती फेलोशिप है आपकी 1997 की, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसमें स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और सपोर्ट सेलेक्टेड नंबर ऑफ यंग साइंटिस्ट को विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड टू इनेबल देम टू परस्यू बेसिक रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक। बायोटेक किसान 2017 का है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत है। इसमें जो कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है उसको बनाया जाएगा, उसी से संदर्भित है आपका ये, है ना, उस वही फुल फॉर्म है इसका, किसान स्टैंड फॉर कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। इसका पर्पस क्या है, कनेक्ट करना फार्मर्स को, साइंटिस्ट को और साइंटिफिक जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं अक्रॉस द कंट्री, ताकि वो इंटरेक्शन कर पाए। इसके बाद इंस्पायर स्कीम है, इसका ऑब्जेक्टिव है अट्रैक्ट करना टैलेंट को जो साइंस से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक से संदर्भित है, 13 दिसंबर 2008 की है। अब इसका जो नाम है चेंज करके मानक रख दिया गया है ना, और मानक जो है इसका मतलब क्या है, मिलियंस माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इसके बाद नेशनल बायोफार्मा मिशन है आपका 2017 का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत जो एम है वो कैपेबिलिटीज को ग्रो करना, किस फील्ड में, बायो फार्मास्यूटिकल्स में, टू बी ग्लोबली कॉम्पिटेटिव लेवल ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो नेक्स्ट डिकेड तक जो है हमको ग्लोबली जो है कॉम्पिटेटिव बनना है, उस क्षेत्र में हमको लैंडमार्क बनाना है अपने आप को, है ना, बायो फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत। इसमें प्रोवाइड करना है एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क
टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज, है ना, उसके संदर्भ में। प्रधानमंत्री युवा जो योजना है आपकी वो नवंबर 2016 की है, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आएगी। इसके अंतर्गत एक इकोसिस्टम बनाना है जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप है यंगस्टर्स उनके लिए। ये जो स्कीम है इसका जो स्पैन है वो 5 सालों के लिए, 2016-17 से 20-21 के लिए। जो प्रोजेक्ट कॉस्ट की मतलब अनुमान लगाया गया है जो आपका यहाँ पर है वो 499.94 करोड़ रुपीज है। सागरमाला प्रोग्राम आपने सुना होगा 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आएगा। तो ये नेशनल परस्पेक्टिव प्लान है जो प्रिपेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा, ठीक है, जिसको रिलीज किया गया 2016-14 अप्रैल को। इसके बाद जो सुगम्य भारत अभियान है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। बताइएगा डिसेबल्ड डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो एम्स टू इनेबल पर्सन विथ डिसेबिलिटीज टू गेन यूनिवर्सल एक्सेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट लिविंग एंड पार्टिसिपेशन इन एंड इंक्लूसिव सोसाइटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो इसको समझिएगा कि जो है ये जैसे डिसेबल्ड लोग हैं तो वो भी नॉर्मल लाइफ कैसे जी सके, वो कैसे जो है मेन स्ट्रीम में डेवलपमेंट के आ सके, उनका इंक्लूजन कैसे हो, तो वो सब फैसिलिटीज इसके द्वारा प्रोवाइड कराना है उनको। पावर टैक्स इंडिया स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है, इसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन की बात की जाएगी जो पावर लूम सेक्टर है उससे संदर्भित है आपका, ठीक है। और यहां पर जो है आपका ये इफेक्टेड है 2017 से 2020 के लिए, इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है एक साल के लिए 31 मार्च 2021 तक के लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपकी अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम है, प्रोजेक्ट है 2017 की, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का कोलैबोरेशन है विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसमें इंश्योर करना है क्वालिटी और इंक्लूसिव प्रोविजन की बात की गई है, जहां पर एमिनिटीज दी जाएंगी, फैसिलिटीज दी जाएंगी अक्रॉस हेरिटेज नेचुरल एंड टूरिस्ट साइट्स पे थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय वहां पर भागीदारी होनी चाहिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात की गई है, इंडिविजुअल्स की भी। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 की है ये आपकी, वंदन योजना जो आपकी रिलेटेड है ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें एम किया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जो भी आपके ट्राइबल्स इन्वॉल्व है माइनर फूड प्रोड्यूसर्स के संदर्भ में, by helping them in optimum utilization of natural resources and provide them sustainable livelihood. Under एक जो आपके 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं 30 ट्राइबल गैदर्स के रूप में, उनको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है यहाँ पर, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप का यूज किया जाएगा। बंधन योजना असली स्वामित्व तो उन्हीं के पास है, वो लोग वहां रहते हैं, तो उसी चीज को यहाँ पर एड्रेस करने के लिए किया गया। इसके बाद वन बंधु कल्याण योजना है 2014 की, ये भी ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड है। इसमें डेवलप करना है ट्राइबल पीपल को बाय स्ट्रीम लाइन जो करना है उनको, और इंश्योर करना है सभी बेनिफिट्स उन तक पहुंच सके, उससे रिलेटेड। धनलक्ष्मी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, 2008 की है। इसमें प्रोवाइड करना है सेट ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को फॉर फैमिलीज, जो भी आपके परिवार है, टू इनकरेज देम टू रिटेन अ गर्ल चाइल्ड, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है उनको वो रिटेन करे, एजुकेट करें और प्रिवेंट करें जो भी आपकी चाइल्ड्स की जो अर्ली मैरिजेस हो जाती है उसको भी वो समझे, वो ना कराएं बाल विवाह वगैरह, ठीक है। राजीव गांधी खेल अभियान जो है 2014 का है, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसको जो लॉन्च किया गया था इन प्लेस ऑफ रस्ट वाइल जो पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान था, ठीक है। इसका एम क्या है, कंस्ट्रक्ट करना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सभी ब्लॉक्स में और एक्सक्लूसिवली बोथ फॉर इंडोर एंड आउटडोर इन डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है जो और भी आपके स्पोर्ट्स होते हैं फॉर 5 ईयर्स। इसके बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है 2014 सितंबर की, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और अफेयर्स और स्पोर्ट्स के अंतर्गत आएगी। इसमें हमारे यहाँ आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट करना जो पोटेंशियल मेडल प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको, है ना, ताकि ओलंपिक में हमारे यहाँ पदकों की संख्या बढ़ जाए। इस बार आप देख ही रहे होंगे मिशन कर्मयोगी जो है वो 20 सितंबर 2020 का है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड है ये आपका। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनहेंस किया जाए गवर्नेंस को थ्रू सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, फिर वही गुड गवर्नेंस की बात आ गई। प्रगति जो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन 2015 का है, पीएमओ के द्वारा लॉन्च किया गया था। विभिन्न जो मिनिस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से काम कर रही है उसको रिव्यू करना और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये इसका एम है, ठीक है ना। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये एम किया जा रहा है एड्रेस करने के लिए कॉमन मैन ग्रीवांसेस, उन जो कॉमन मैन है उनकी जो शिकायतें हैं, जो उनका समाधान कैसे किया जा रहा है,
उसके साथ ही मॉनिटर करना और रिव्यू करना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में लाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से संदर्भित है आपकी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।